On the behalf of university family, I welcome all the delegates of IPC and APC for this annual conference. In collaboration with ICPR, ICHR, ICSSR, Central Sanskrit University, the 95th Annual Indian Philosophical Congress and the 4th Asian Philosophy Conference is being inaugurated today within a few minutes at the very historical place of modern Indian history, Wardha. This is the place where the decision of Bharat Chodo Andolan was taken by Bapu. This is the place where the first officer training camp of RSS has been consequently organized for approximately a decade. This is the place where the first independent women's organization, Rashtriya Sevika Samiti, was founded by Adarniya Lakshmibai Ketkarji. Wardha wo pavitra sthal hai, jahan se ecosystem ke naveen prayogon ne Bharat ko ek naya aakar diya hai. ये वो भूमि है जहाँ से स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व ने अपनी उचित भाव भूमि पाई है। ये वही वर्धा है जहाँ गांधी जी ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का गठन कर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। ये वो वर्धा है जहाँ बापू ने अभिलक्ष्य करके कहा था कि उनके आंदोलन का केंद्र रचनात्मक कार्यक्रम है। राइट ऑन द टाइम व्हेन द नेशन इज सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, this annual session of IPC and APC is going to be held very first time at Wardha, though the founder of these organizations were deeply connected with Wardha and Gandhian philosophy. When self-reliance or Atmanirbharta is emerging as a moment in Indian horizon, the convening of IPC and APC in the Wardha is not just a chance, but Wardha is a place where the philosophy of Atmanirbharta was emerged and nurtured by Gandhi, Vinoba, Kaka Kelkar, Madhavrao Sadashiv Golwalkar, Jamnalal Bajaj, Shri Kumar Appa, and many more. Is punya bhumi par desh bhar se aaye darshaniko, darshan adhyetaon, shikshak, shodhartiyon, vidyarthiyon evam pratibhagiyon ka swagat evam abhinandan hai. Bharatiya Darshan Mahasabha ko औपचारिक रूप से प्रारंभ करने के लिए मैं अनुरोध करूंगी इस सत्र के अध्यक्ष हमारे कुलपति आचार्य रजनीश शुक्ला जी से, आर चीफ गेस्ट प्रोफेसर नीरजारुण गुप्ता जी, आर गेस्ट एमपी ऑफ वर्धा रामदास तड़स जी, वाइस चांसलर ऑफ कवि कुल कालिदास मधुसूदन पेन्ना जी, our guest vice chancellor of Gondwana University Prashant Bokare and chairperson of IPC Professor SR Bhatt to light the diya and formally start the conference. समस्त मानव कल्याण हेतु हमने जिस ज्ञान यज्ञ का संकल्प लिया है वह मंगल प्राप्ति करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर मंगलाचरण करें। अंततः मैं सर्वथम वैदिक मंगलाचरण हेतु श्री गुलाल त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ।
ॐ भद्रं कृणे श्रोणयाम देवा भद्रं पशेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसनोभ्यभ्यसेमहि देवहितञ्जदायोः सतमिन्न शरदो अन्ति देवा जतरा न शकराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिखता जुगन्तोः आदितिर्द्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्च जना आदितिर्जातमादितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु हरिः ॐ शान्तिः 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 पुनः मैं पौराणिक मंगलाचरण हेतु श्री साहेबू देव शर्मा एवं श्री गुलाल त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। यम वैदिका मंत्र दृशः पुराण इन्द्रं यमं मातरिस्वान्माहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति सैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैन सत्स्त्रियकालेति च सिक्खसन्तः सस्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। धन्यवाद। अब मैं जैन मंगलाचरण हेतु सुश्री गुंजन जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। मंच पर उपस्थित विद्वजनों को मेरा सादर जयजनेन्द्र एवं सभा में उपस्थित सभी लोगों को भी मेरा सादर जयजनेन्द्र। मैं जैन मंगलाचरण पंच नमस्कार नमोकार मंत्र पढ़ने जा रही हूँ। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोहे सभ्यसाहुणम ऐसो पंचिणमो यारो सभ्य पाप प्राशणो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलं चत्त
अवतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपणतोधम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्मा अरिहंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहू लोकोत्मा केवलिपणतोधम्मो लोकोत्मा चत्तारी शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपणतोधम्मं शरणं पवज्जामि सादर जजने धन्यवाद गुंजन जी। तत्पश्चात मैं बुद्ध मंगलाचरण हेतु श्री ओम प्रकाश बुद्धा जी को आमंत्रित करती हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विज्ञाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाखतु भगवता धम्मो संदिठिको यकालिको यहि पश्चिको ओपनैको पच्चत्तं वेदितब्बो वियूहीति। सुपटिपन्नो भगवतु सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतु सावक संघो न्यायपटिपन्नो सामीचिपटिपन्नो भगवतु सावक संघो। यदिंचत्तारी पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गला एष भगवतु सावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुय्यखेतं लोकस्साति। ब्रह्म इंदिंग देविंदिंग सब्बदेविंग बुधो सुबोधि करुणागुणंगं पय्यापदीप जलितं जलिंतं बहुपारतिन्नं बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सुखो बुद्धानं गुप्पादो सुखोष धम्मदेशना संघस्य समग्गै समग्गानं तपो सुखो। भवतु सब मंगलं रक्खन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोथे भवन्तु ते। साधु साधु साधु। धन्यवाद। तदुपरांत मैं भारत वंदना हेतु श्री गोपाल साहू जी को आमंत्रित करती हूँ। समेभ्यः नमो नमः। जयतु भारते सुभ्रमुकुटधारके। जयतु भारते सुभ्रमुकुटधारके। तारापति सदृशः सकल भुवन शेखरे। विबुध वृंद संयुतः क्रांति शांति संकुलः। प्रगति मार्गदर्शकः शत्रुमानमर्दकः। खल समूहनाशकः चलतु चलतु दिग्जये। जयतु भारते सुभ्रमुकुटधारके।
जयतु जयतु भारते कुवलय दललोचनः प्रेम भावनारतः कुवलय दललोचनः प्रेम भावनारतः भव्य भावभूषितः गीतवाद्यपूरितः आदिशक्तिरक्षितः शम्भुभक्तिभूषितः छलप्रपञ्चवञ्चितः सकलबोधसञ्चितः देशभक्तिशोभितः चरतु चरतु पूर्वजे जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर मैं तकनीकी टीम से अनुरोध करती हूं कि वे कुल गीत प्रसारित करें। Sure.
विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी को स्वागत वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूं। मंच पर और सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय दार्शनिक परिषद का 95वां अधिवेशन और चौथा एशियाई सम्मेलन आयोजित करने का उसे गौरव प्राप्त हुआ है। यह अवसर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय एशियाई दर्शन सम्मेलन और जिन संस्थाओं के सहयोग से हमको प्राप्त हुआ है, मैं सबसे पहले उन सब के प्रति विश्वविद्यालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न राज्यों के, विभिन्न विश्वविद्यालयों के, विभिन्न शोध संस्थानों के और देश के हर कोने से यहाँ पधारे हुए विद्वान और अध्येता, उन सब का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के हमारे इस आयोजन की मुख्य अतिथि आचार्य नीरजा अरुण गुप्ता जी, माननीय कुलपति, सांची बौद्ध भारत विद्या विश्वविद्यालय, श्रीमान साहेबू देव शर्मा जी, श्रीमान प्रोफेसर पनीर सेल्वम जी, जनरल सेक्रेटरी आईपीसी भारतीय दार्शनिक परिषद, श्रीमान रामदास तड़स्ती, माननीय सांसद वर्धा, श्रीमान मधुसूदन पेन्ना जी, माननीय कुलपति कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, श्रीमान प्रोफेसर प्रशांत बोकारे जी, माननीय कुलपति गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली, श्रीमान प्रोफेसर एलपी सिंह जी, जनरल प्रेसिडेंट 95वां भारतीय दार्शनिक परिषद अधिवेशन, श्रीमान गोविंद शरण उपाध्याय जी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल और श्रीमान परमादरणीय प्रोफेसर यशार भट्ट जी, भारतीय दार्शनिक परिषद के माननीय अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, माननीय सदस्य सचिव भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, आप सभी का और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सभी माननीय कार्य समिति सदस्यों का मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और इस सभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी,
जिनके उद्यम से, जिनके पुरुषार्थ से, जिनके प्रयत्नों से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यह आयोजन करने में सफल हो सके हैं, उनके प्रति भी मैं आभार के साथ साथ उनका स्वागत भी करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथियों और विश्वविद्यालय परिवार के हमारे सभी सदस्य, जिनके सम्मिलित प्रयत्न से यह आयोजन आकार ले सका है, उन सबका भी इस सभागार में, इस आयोजन में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जिन सहयोगी संस्थाओं का इस आयोजन में हमको सहयोग मिला है, उनके प्रति भी हमारा आभार, और उनके प्रतिनिधि जो यहाँ पर उपस्थित हैं, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, इन संस्थाओं के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं और जिनका हमको सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस आयोजन में मैं अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आपका वर्धा प्रवास सुखकर होगा और यहाँ के प्रवास की प्रीतिकर स्मृति आपके मानस में, आपकी चेतना में बनी रहेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति एक बार पुनः धन्यवाद आप सबको देते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। इस औपचारिक स्वागत के साथ हमारे अतिथि स्मृति स्वरूप हमसे सदैव जुड़े रहें, इसके लिए हम उनके आतिथ्य सत्कार हेतु सदैव प्रेरित हैं। अंततः मैं विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आचार्य चंद्रकांत रागी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आचार्य नीरजा अरुण गुप्ता जी का स्वागत सूतमाला, शॉल और ग्रंथ से करें। अब मैं विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वह वर्धा के सांसद विशिष्ट अतिथि रामदास तड़स जी का स्वागत सूतमाला, शॉल एवं ग्रंथ से करें। मैं आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारी सहकारी संस्था ICPR के सदस्य सचिव एवं हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्रा जी का भी स्वागत करें। आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो आचार्य प्रशांत बोकारे जी का भी स्वागत करें। आचार्य प्रशांत बोकारे जी गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली के वाइस चांसलर हैं।
अब मैं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति चंद्रकांत रागीट जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मधुसूदन पेन्ना जी का सत्कार करें। Now I would like to request the Pro Vice Chancellor of our university, Professor Hanuman Prasad Shukla ji, to felicitate Professor L.P. Singh, General President of 95th session of IPC. Again, I would like to request our Pro Vice Chancellor to felicitate Professor S.R. Bhatt, Chairperson of IPC. पुनः मैं अपने प्रो वाइस चांसलर चंद्रकांत रागीट जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रोफेसर एस पनीर सेल्वम जी का भी स्वागत करें। Now I would like to request the local organizing secretary and HOD of philosophy department, Dr. Jayant Upadhyay, to felicitate treasurer of IPC, Professor Debika Sahab. मैं जयंत उपाध्याय जी से फिर अनुरोध करती हूँ कि भारतीय दर्शन महासभा के उपाध्यक्ष आचार्य एस के सिंह जी का भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव कादर नवाज खान जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आईपीसी के संयुक्त सचिव आचार्य दिलीप मोहंता जी का स्वागत करें। In that order, I would request the registrar of our university, Kadar Nawaz Khan sir, to felicitate Professor Xavier P. Mao, Joint Secretary of IPC. ये गोविंद शरण उपाध्याय जी ना इधर बैठे हैं, किधर बैठे हैं। अब मैं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर गोविंद शरण उपाध्याय जी का स्वागत करें।
Now I would kindly request the General Secretary of IPC, Professor S. Paneerselvam, to felicitate the current chairperson of this inaugural session and our very own Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Antarashtriya University, Professor Rajneesh Kumar Shukla ji. उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष माननीय कुलपति जी, आईपीसी के चेयरमैन आचार्य एस आर भट्ट जी, हमारे मुख्य अतिथि आचार्य नीरजारण गुप्ता जी एवं हमारे सभी गण्यमान अतिथियों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम की स्मारिका का भी विमोचन करें। अब समय है इस ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए ज्ञान मुनियों के वक्तव्यों से अभिसिंचित होने का। अंततः इस ध्येय में मैं सर्वप्रथम भारतीय दर्शन महासभा के सदस्य सचिव प्रोफेसर एस पनीरसेल्वम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। कृपया महोदय यहाँ आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। Most revered and respected Professor Rajneesh Shukla ji, Honorable Vice Chancellor of this university, our chief guest today, Professor Neeraj Arun Gupta ji, Honorable Sri Ramadas Tadas, Member of Parliament, Professor Madhusudan Penna, the Honorable Vice Chancellor of Kalidas Sanskrit University, Professor Prashant Vakir, Vice Chancellor, Godwin University, Professor L.P. Singh, our General President of this 95th session of IPC, Professor Govind Saran Upadhyaya ji, Professor S. R. Bhatt, our chairman of IPC, our good friend Professor Chachidananda Mishra ji, member secretary of Indian Council of Philosophical Research, New Delhi, our honorable registrar of this university, Shri Kader Nawaz Khan, honorable pro vice chancellor of this university, the galaxy of scholars who are assembled here. I could see Professor Ambika Datta ji, a well-known scholar, and other friends who have assembled here, and my dear colleagues, research scholars and students. At the outset,
We are grateful to Honorable Vice Chancellor, Professor Rajini Shukla Ji, for giving us an opportunity to organize the 95th session in this great university. All of us know under his dynamic leadership, Professor Shukla Ji has been doing immense service to philosophy. And when we requested him to host this IPC session, he was very kind enough to accept our invitation. And he came forward to host this 95th session, for which we are grateful to you, sir. And this session, 95th session, has a theme, freedom and responsibility, keeping it in mind that we have celebrated the 75th year of independence. All of us know that both the concept of freedom and responsibility are like two sides of the same coin. In fact, Mahatma Gandhi has emphasized that we cannot think of freedom without responsibility. In fact, in Western tradition, we talk about freedom, which is absolute in nature. But in Indian context, we have combined freedom and responsibility. And our chairman, Professor S.R. Bhatt sir, has suggested that the theme of the 95th session should be freedom and responsibility. And another important theme, which we have chosen for the 4th Asian Philosophy Conference, is the ecosystem, philosophy and eco-sustainability. This is something very important, and I am very grateful to our Honorable Vice Chancellor for choosing this theme for the main reason. Ultimately, it is the philosophers who can guide the entire universe. Especially in Indian tradition, we talk about the responsibility ethics. In Western tradition, Immanuel Kant and others spoke about the anthropocentric ethics. But in Indian tradition, we have made it clear from the ancient time onwards up to the present, we have emphasized that anthropocentric ethics has to be replaced by the cosmocentric ethics. So keeping this in mind, our Honorable Vice Chancellor has suggested this theme for the Asian Philosophy Conference. And we must also point out at this juncture that the contribution made by Professor Shukla Ji is something remarkable. He is a close friend of IPC. And when he was the member secretary of ICPR, I still remember he made an attempt to decolonize Indian philosophy. This is his contribution, I would say, because we have been often influenced by the Western tradition, and we are trying to do Indian philosophy in the form of Western philosophy, just copying the Western methodology. But if you read thinkers like K.C. Bhattacharya and others, they have pointed out that how Indian philosophy has to be deeply rooted in our own tradition. And Shukla Ji is mainly responsible for developing this concept of decolonizing Indian philosophy, keeping the philosophy of K.C. Bhattacharya, Mahatma Gandhi, and many others. So this contribution of Professor Shukla Ji is very much helpful in developing Indian Philosophical Congress in various occasions. And also at this juncture, we are very grateful to our good friend, Professor Sachidananda Mishra Ji, who is giving his full support to IPC. In fact, he is the one who is mainly responsible for bringing so many innovations in ICPR. So ICPR and IPC, they have a very good understanding. And because of this, we are able to host this great event at this university. I'm told by the organizing secretary, Professor Jayant Upadhyaya, that nearly 400 delegates have registered. And many of them, at least 50% of them, are research scholars. This is a very, very important and significant aspect which we have taken into account, because philosophy lies in the hands of young teachers and scholars. So I'm very grateful to you for coming over here.
and I am sure that we'll have a fruitful academic sessions in these 4 days. So with these few words, I would like to thank you for coming over here. And once again, I thank our Honorable Vice Chancellor for accepting our kind request and hosting this IPC session and APC session. Thank you very much. Thank you very much, sir. कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं वर्धा के लोकप्रिय सांसद माननीय रामदास तरस जी को सादर आमंत्रित करती हूं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यालय वर्धा के ओर से भारत दर्शन महासभा 95वें अधिवेशन व आशियाई दर्शन के सम्मेलन में उपस्थित जिन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को ऊंचाई पे लेके गए, इनका प्रयास यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड में जाने का जिनका सपना है, वो यहाँ के कुलपति आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, यहाँ उपस्थित आचार्य निर्जा अरुण गुप्ता जी, आचार्य सचनंद मिश्रा, आचार्य एस आर भट्ट, आचार्य गोविंद उपाध्याय जी, आचार्य एल पी सिंह जी, आचार्य प्रशांत बाकोरी जी, जिन्होंने अभी प्रास्ताविक किया, वो पनीर सलवनी जी, आचार्य मधुसूदन, आचार्य चंद्रकांत जी रागीट, कादर खान जी, और जिन्होंने प्रास्ताविक किया हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, यहाँ नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, अमेरिका और समस्त प्रदेशों के 27 प्रदेशों से आए 445 प्रतिनिधि, इनका मैं ये सभी महानुभाव का कई दिल से शुभकामना देता हूं कि यह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जहां से बापू ने ये देश को आजादी दी, साबरमती से बापू निकले, एक शपथ लेके निकले कि मैं जब तक ये देश को आजादी नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं ये सेवाग्राम नहीं छोड़ूंगा, और ये देश को आजादी देने के लिए जो जो उस टाइम आंदोलन हुए वो आंदोलन यही धरती से हुए, पवनार में विनोबा भावे जी का आश्रम है जहां से विनोबा भावे ने ये देश के पदयात्रा निकली, और राजे महाराजे जो जमींदार है उनकी जमीन गरीब लोगों को दो और श्रीमंत और गरीब एक हो, ऐसा जो सपना था आचार्य विनोबा भावे जी का, और 3 लाख हेक्टेयर जमीन उस टाइम आचार्य के प्रयास से देश के गरीब लोगों को देने का प्रयास उस टाइम हुआ था। ऐसे महात्मा गांधी और विनोबा भावे के कर्म भूमि में आप सबका मैं यहाँ पे सांसद होने के नाते स्वागत करता हूं। यहाँ पे जो 4 दिन चलने वाला संवाद है, सम्मेलन है, वो महत्वपूर्ण सम्मेलन है।
देश विदेश से यहाँ पे जो महानुभाव आए हैं और ये देश में क्या चलता और भारत के संसद से आप क्या चाहते हो, ये आपसे आपके वाणी से यहां पे सुनना है कि हम लोग वहां बैठते हैं लेकिन हमारे जो संसद चलता पार्लियामेंट चलता उसमें देश में क्या करना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ने गंगा, जो गंगा थी सभी लोगों को पानी दिलवाने का काम करती थी लाखों लोगों को, उन्होंने गंगा वहां की साफ सफाई, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू लिया अपने क्षेत्र में गए तब कुछ हमारे विरोधक हंसते थे, बोलते थे क्या एक दिन में गांव साफ हो जाएगा देश साफ हो जाएगा क्या। लेकिन आज अब देखो जो स्कूल है रेलवे स्टेशन है बस स्टेशन है वो कितने साफ रहते हैं। हर आदमी को उनका महत्व समझने लगा, गांव कैसा स्वच्छ करना शहर कैसा स्वच्छ रहना ये सब सब लोगों को समझने लगा। प्रयास एक आदमी नहीं करता, प्रयास तो आपके सभी विचारों से आपके परिश्रम से प्रयास होता है लेकिन करने वाला होना, वो करने वाला ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दिखा दिया। और अब 2023 चार पांच दिन में आने वाला है, ये देश की ऊंचाई कितनी गई ये आपको मालूम होगा कि 8 साल में देश की ऊंचाई कितनी गई। और ये देश पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम चल रहा है ऐसा भारत देश महागुरु होने के प्रयास कर रहा है। हम महाशक्ति होने के प्रयास से बंदूका नहीं चलाना चाहते हैं, हम गांधी के विचार से महागुरु बनना चाहते हैं देश को। बंदूक से तो महाशक्ति हो सकता है लेकिन गांधी जी का विचार है देश को मिला है, गांधी जी ने देश को शांति का विचार दिया है और इस शांति के विचार से ये देश के लोग अपना जीवन यहां पे चला रहे हैं। यहां पे मैं हमारे आचार्य रजनीश कुमार जी का जितना आभार मानने का उतना कम ही है। जब ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ की शुरुआत हुई भूमि पूजन हुआ तब मैं एमएलसी था, देखते देखते इनकी ऊंचाई इतनी बड़ी और जब आचार्य शुक्ला जी यहाँ पे आए तो इसकी ऊंचाई तो देश विदेश में चली गई। जब मैं पार्लियामेंट में बैठता और पार्लियामेंट में जब बैठता तब हमारे सांसद बोलते आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं महाराष्ट्र से वर्धा से हूँ, वर्धा में अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी विद्यापीठ है, हमारा लड़का वहां पे, हमारा लड़का वहां सर्विस करता पढ़ता है, ये रजनीश साहब है इसलिए हुआ है, नहीं तो पहले मेरे को कोई पूछता नहीं था। मैं अभी दूसरी बार पार्लियामेंट में गया हूं, मैं तो हर कार्यक्रम में यहां आता हूं, अभी मेरा घर का ही ये हो गया, ऐसा लगता है मेरे फैमिली ये विद्यापीठ हुई है। और इतने कार्यक्रम में मैं कभी पहले देखे नहीं थे, जब रजनीश से आया तब से ये कार्यक्रम मैं देख रहा हूं और जो हाल बना है अभी मैं
एक 15 दिन पहले देश के उपराष्ट्रपति तनवर साहब से मिला हूं और उन्होंने बोला है कि मैं जरूर आऊंगा, ये हॉल का उद्घाटन करने के लिए आऊंगा, उन्होंने शब्द दिया है। यहाँ पे सभी के उमाए, यहाँ का सांसद से नाते मैं सबको, जो आप यहाँ बाहर से आए हुए, 4 दिन में आपकी वाणी से, यहाँ पे विचारों से, वर्धा नगरी में महात्मा गांधी विनय भावी के कर्म भूमि में आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं अभी 2 दिन तो नहीं हूँ, पर 4th दिन फिर से आऊँगा, आपका भाषण सुनने, आपका विचार सुनने के लिए मैं आऊँगा। यहाँ तो सब आचार्य पदवी से सब लोग हैं, यहाँ पे बहुत महानुभाव लोग हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो क्या है, कॉलेज में एक साल ही पढ़ा हूँ, पार्ट वन हूँ, न मुझे अंग्रेजी आती, और यहाँ आते आते मैं इतना हिंदी पढ़ गया हूँ कि हिंदी में मैं वहाँ पे पार्लियामेंट में बात करता हूँ। अभी मेरे 3-4 प्रश्न थे, वो प्रश्न भी मैंने हिंदी में बहुत अच्छे वहां से बात किया। अब यहाँ आते आते मैं भी हिंदी का स्टूडेंट बन गया ऐसा लगा। मैं सभी को यहाँ पे स्वागत करता हूँ, मेरे शब्द को विराम देता हूँ। मुझे रहने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरा अभी एक कार्यक्रम है, बाद में मैं पुणे जा रहा हूँ, कुश्ती का वहाँ पे जरा थोड़ा काम है। और ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी, यानी इंडिया की सबसे बड़ी कुश्ती पुणे में हो रही, 10 से 14 तक, उसमें लाखों लोग देखने के लिए आते हैं, उसका आयोजन करना है। मैं फिर से सभी का स्वागत करता हूँ, मेरे शब्द को विराम देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद। तुमचे खूब खूब आभार साहेब। अब मैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना विषय वक्तव्य रखें। प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी, सुप्रभातम। आज इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सारे दर्शन के हस्तियां और अभी जिनका हमने भाषण सुना तड़स सर, और इस भव्य यज्ञ के दर्शन के यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे भ्राता शुक्ला सर, और सारे इनको सप्रेम और सादर नमस्कार करते हुए, अभी जो तड़स सर ने कहा, मुझे मन में वही लग रहा था कि रजनी शुक्ला सर आने के बाद नागपुर और वर्धा का अंतर कम हो गया, तो लगता है ये रोड जो बना है ये गडकरी सर ने करवाया कि रजनीश सर ने करवाया, ऐसा कभी लगता है कि सर आने के बाद इतना हमारा यहाँ आना जाना हो तो बहुत सारे लोगों का, और सर ने इतने बहुत बड़े उत्साह से 95th सेशन ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस और एशियन फिलोसॉफी कॉन्फ्रेंस, इन दोनों का ये 4 दिनों में जो आयोजन करा रहे हैं ये ऐतिहासिक है, इसीलिए मैं समझता हूँ अपने सबके तरफ से सर का बड़े अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा, मैं आने के बाद महाराष्ट्र में इतना बड़ा हुआ नहीं, और एशियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा आयोजन करने का जो श्रेय है वो पूरे तरह से सर के तरफ जाता है सर, इसीलिए फिर एक बार आपका बहुत मन से हम अभिनंदन करते हैं और अभिवादन भी करते हैं। आज इस दार्शनिक महासम्मेलन के संदर्भ में यहाँ आए हुए हमारे दर्शन के दिग्गज भट्ट सर है, मिश्रा सर है, शुक्ला सर है, और शिक्षण क्षेत्र में जो बड़ा नाम है ऐसे बुकारे सर, मोहंता सर और माधव सर, ये सब यहाँ उपस्थित आए हैं केवल रजनी शुक्ला सर के प्रेम से और आदेश से। और सर, दर्शन
लोग समझते हैं कि ये एक आर्मचेयर फिलॉसफी, इसीलिए इसका समाज से कोई संबंध नहीं, समाज के डेवलपमेंट के साथ कोई संबंध नहीं, केवल कुछ लोग पेट भरने के बाद बैठ के कुछ विचार करते रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, लोग ऐसा भी कहते हैं, फिलॉसफी इज सेइंग समथिंग अबाउट दैट विच एवरीबडी नोस इन अ लैंग्वेज विच नोबडी अंडरस्टैंड्स, ऐसा कहा जाता है। दर्शन फिलॉसफी इज सेइंग समथिंग अबाउट दैट विच एवरीबडी नोस, ये जग है, ये लोग है, प्राणी है, जीवन है, मोक्ष है, सब, मगर इन सच ए लैंग्वेज दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स, क्योंकि बहुत जटिल बनाया जाता है। मगर आज ऐसे कॉन्फ्रेंसेस की जरूरत इसीलिए है कि इन कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा लोगों में जा सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि दर्शन हर एक से जुड़ा हुआ है, दर्शन को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे मुझे कोई फिलॉसफी नहीं है, तो वो आपकी फिलॉसफी बन जाएगी। लोग ऐसा करेंगे कि ही सेज दैट आई डोंट हैव एनी फिलॉसफी, आई डोंट बिलीव इन एनी फिलॉसफी, सो दैट विल बिकम हिज ओन फिलॉसफी। तो कुछ भी फिलॉसफी के बाहर नहीं है, आप सबको इसके अंदर लेकर ही चिंतन करना चाहिए। तो इसमें एपिस्टोमोलॉजी हो, एस्कटोलॉजी हो, मेटाफिजिक्स हो, सब इसमें आते हैं। मगर लोगों की प्रवृत्ति अलग होती है कि लोग समझते हैं गॉड, भगवान, ईश्वर, ऐसा अगर कोई कहता है तो लोग समझते हैं ये रिलीजियन है, ये धार्मिक है, हम अलग है। और वही लोग गॉड पार्टिकल के बारे में बोलते हैं। सो गॉड बोलना रिलीजियन बन गया, और गॉड पार्टिकल के बारे में बोलना वो तो साइंस बन गया। तो ये विडंबना है, गॉड पार्टिकल आप किसके लिए ढूंढ रहे हैं, आप किसके लिए खोज कर रहे हैं? तो लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल, बोसान पार्टिकल, क्यों उसको गॉड जोड़ा? आपको गॉड तो रिलीजन है, धर्म है, मगर विषय यह है अपने दर्शन में भी गॉड जो कोई पर्सनल गॉड ऐसा नहीं किया। जब उदयनाचार्य कहते हैं न्याय कुसुमांजलि में पंचम स्तबक में कार्य योजना धृत्यादेश पदा प्रत्ययत श्रुते है वाक्यात संख्या विशेषाच्य साध्यो विश्वविद अव्ययः, तो उनका 9th-10th century में यही है कि यह सारा जग कहां से आया, इसका डिजाइन कौन करता है, इसको कौन सपोर्ट करता है, ये भाषा कहां से आई है, भाव प्रकटन करने का सामर्थ्य हम में कहां से आया है, ये सब एक सिस्टम में है। तो यह सिस्टम को ही गॉड कहा। तो इसके लिए अपने प्राचीन दर्शन ग्रंथों में बहुत बड़ा विचार हुआ है। आपके सामने ये एक निधि, एक तिजोरी है, इसमें आप जैसा अंदर जाएंगे तो उतना उतना निकलता है इसमें से। कॉन्शियसनेस स्टडीज करते हैं तो जीव का, और कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो ईश्वर, विश्व, सब आते हैं इसमें। और इतना गंभीर विचार अपने भारतीय दर्शनों में हुआ है, तो ये बहुत गर्व से और आनंद से हम कह सकते हैं कि हम भारतीय है और मेरा भारत महान है, क्योंकि इसमें यह विचार आया है। हमने किसी को रोका नहीं, हमने यहां चार्वाक को भी दर्शन कहा, यहां बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन में काश्मीर शैव दर्शन, वीर शैव दर्शन, सभी आए हैं, सबको हमने स्थान दिया, सबको अपने विचार बताने का स्वातंत्र दिया, तभी हमारे पास इतने दर्शन आए हैं। तो आज हमारे आदरणीय रजनी शुक्ला सर ने जो बड़े प्रयास से ये आयोजन किया, तो इसका उद्देश्य ही वही है कि हम अलग नहीं है। तो ऐसे इस कॉन्फ्रेंस का उद्दिष्ट आप सबके उत्साह से और सहाय से सफल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अवश्य हम ऐसे सम्मेलनों के द्वारा कुछ प्रेरणा लेते हैं, यहाँ जो छात्र है उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, ताकि वो आगे जाके इस क्षेत्र में और अच्छा काम कर सकेंगे। उसके लिए अत्यंत आदर्शभूत यहाँ विभूतियाँ बैठी हैं जिनका काम दर्शन क्षेत्र में बहुत बड़ा है। तो मैं इन सबको सादर नमन करता हूँ और आपको सारी शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद आचार्य।
तदुपरांत मैं गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के आदरणीय कुलगुरु प्रोफेसर प्रशांत बोकारे जी को सादर आमंत्रित करती हूं। प्रोफेसर प्रशांत बोकारे जी। मंच पर आसीन इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के सम्माननीय वाइस चांसलर आचार्य रजनी जी शुक्ला, फिलोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर पनीर सेल्वम, हमारे मित्र कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर पेन्ना, इस विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर रागेट, अन्यान्य अतिथिगण, बंधुओं एवं मातृशक्ति, आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपने गृह नगरी में एक बड़े से सम्मेलन का साक्षात्कार कर रहा हूं और इसके लिए मैं आचार्य रजनीश जी शुक्ला को बड़े हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक नया आयाम इस नगरी को जोड़ा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और इस नगरी की तरफ से, चूंकि मैं इसी नगरी का रहने वाला हूं, इस नगरी की तरफ से आप सभी को और विशेष तौर पर आचार्य रजनीश जी शुक्ला को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। मित्रों, जहाँ तक फिलॉसफी का संबंध है, हम भारतीय लोगों को किसी ने फिलॉसफी सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो यात्रा रही है, आत्मानम मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम से लेके, मतलब मैं मानव हूं, मेरा नाम राम है और मैं दशरथ का पुत्र हूं, इस वाक्य से लेके तो श्री कृष्ण भगवान तक हमारी यात्रा रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग कर दे, सिर्फ मुझे शरण आ जाए क्योंकि मैं ही भगवान हूं। यानी मैं मानव हूं से लेकर तो मैं भगवान हूं, को अहम से लेकर तो सो अहम तक, यह जो हमारी भारतीय तत्वज्ञान की यात्रा रही है, यह सर्वव्यापी यात्रा रही है। आप जानते हैं, कई सारे लोग जब फिलॉसफी की बात होती है तो कामू का नाम लेते हैं, सार्त्र का नाम लेते हैं और न जाने टॉलस्टॉय का नाम लेते हैं और सोक्रेटिस का नाम लेते हैं, कई कई नाम दुनिया के लेते हैं, लेकिन वो भारत भूमि का तत्व ज्ञान को भूल जाते हैं। हमारे भारत भूमि का तत्व ज्ञान बिल्कुल वेदों के काल से तक अभी तक एक सजीव तत्व ज्ञान रहा है और हमारे भारत भूमि का तत्व ज्ञान ये कार्यशील तत्व ज्ञान रहा है। ऐसे नहीं रहा कि हमारा तत्व ज्ञान ये केवल किताबों के लिए था, केवल चर्चाओं के लिए था, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा तत्व ज्ञान यह कार्यशील, हमारा तत्वज्ञान यह जीवन की पूंजी रही है। अगर आप प्रस्थान त्रयी से बात करेंगे, आप जानते हैं प्रस्थान, यहाँ पे फिलॉसफी के बड़े बड़े महानुभाव सब लोग बैठे हुए हैं। प्रस्थान त्रयी तीन प्रकार की होती है, एक वेदोक्त प्रस्थान त्रयी है, पुराणोक्त प्रस्थान त्रयी है और संतों की प्रस्थान त्रयी है। वेदोक्त प्रस्थान त्रयी में हम जानते हैं कि उपनिषद है, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य है। पुराणोक्त प्रस्थान त्रयी में हम जानते हैं रामायण है, महाभारत है और भागवत है। और संतों की जो प्रस्थान त्रयी रही है वह हमारे देश में प्रांत से लेके अलग अलग हुई है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर प्रस्थान त्रयी की बात करेंगे तो उसमें ज्ञानेश्वरी आएगी, उसमें तुकाराम महाराज की गाथा आएगी, उसमें रामदास रचित दासबोध आएगा। यह प्रस्थान त्रयी हमारे यहाँ होगी और हर प्रांत में अलग अलग संतों की अलग अलग प्रस्थान त्रयी रही है। इन प्रस्थान त्रयी के आधार पर हमने मोक्ष का मार्ग निश्चित किया हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि अगर मोक्ष को प्राप्त होना है तो किसी एक तत्व ज्ञान के आधार पर चलना होगा, जिस पे उन्होंने प्रस्थान त्रयी की रचना की। और ये प्रस्थान त्रयी हमने जीवन में लाने का हमारे पूर्वजों ने और हमने भी पूरा पूरा प्रयास किया है। आप वर्धा की नगरी में है, वर्धा की नगरी कई वक्ताओं ने कहा कि ये स्वतंत्रता के आंदोलन की भूमि रही है, लेकिन उसी के साथ वर्धा की नगरी हाँ अर्वाचीन तत्वज्ञान की भूमि रही।
गांधी जी ने सत्याचे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ यह तत्वज्ञान दुनिया को दिया, अहिंसा का तत्वज्ञान दुनिया को दिया, शांति का तत्वज्ञान दुनिया को दिया। विनोबा जी ने गीताई का तत्वज्ञान दुनिया को दिया। बड़े दार्शनिक ऋषि थे विनोबा जी। विनोबा जी कहते थे, उनकी एक बहुत छोटी सी पुस्तक है मधुकर नाम की, आप सबको अगर कभी मिल जाए तो पढ़िए। इतने तत्वज्ञान की बातें हैं लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर और सरल शब्दों में लिखी हुई है। विनोबा जी हमेशा कहते थे, कह रहे बोले हम हमेशा कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन मित्रों मुझे बताइए किसी ने हम पे ईंट फेंक के मारी तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको बचाव करना पड़ेगा। ये विनोबा जी का तत्व ज्ञान था। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, तो ईंट का जवाब होता है उसके बचाव से। किसी ने अगर हमारे ऊपर तलवार का वार किया है तो हमारा जो शील्ड होता है वो इतना पक्का होना चाहिए कि वो तलवार की वार से न टूटे। यह तत्व ज्ञान विनोबा जी ने दिया है। उन्होंने आगे तो बहुत सुंदर लिखा है कि बोले अंधेरा जितना घना होगा हमारा दिया उतना ही प्रखर लगेगा, उतना ही तेज पुंज लगेगा, तो जाके वह अंधेरा नष्ट होगा। ईंट का जवाब पत्थर से बोलने से बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा था, अब हम सब शिक्षा के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, बोले अगर हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको मैट्रिक ग्रेड आदमी को पढ़ाने के लिए लगाते हैं और एमए के लिए पीएचडी आदमी को पढ़ाने के लिए लगाते हैं। अरे जिसमें जिसके दिमाग में अज्ञान का अंधेरा हो उसको ज्यादा तेज दीप लगेगा, प्रखर दीप लगेगा। तो पीएचडी पढ़े हुए आदमी को केजी और नर्सरी में पढ़ाना चाहिए और एमए पढ़े हुए आदमी को पढ़ाने के लिए तो एमए का आदमी भी चलेगा, या उसको नहीं पढ़ाया तो भी चलेगा। इतना प्रखर तत्व ज्ञान इस भूमि ने दिया है, इसलिए वर्धा के नगरी को मैं तत्व ज्ञान की भूमि भी बोलता हूं। और तीसरा तत्व ज्ञान वर्धा के भूमि ने दिया है वो है डॉक्टर जेसी कुमारप्पा का तत्व ज्ञान, जिसको इकोनॉमी ऑफ परमानेंस कहते हैं। यानी वर्धा की प्रस्थान तय अगर कहेंगे तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसके बाद में विनोबा जी की गीताई, वो विनोबा जी मराठी में कहते थे, गीताई माउली माझी तिचा मी बाळ नेणता पडता रडता घेई उचलोनी कडी गई। मतलब गीताई जो है, जो गीता है वो मेरी माँ है। तिचा मी बाळ नेणता, नेणता मतलब जिसके दिमाग में अंधकार है, ऐसा मैं उसका बाळ हूँ, मेरे दिमाग में अज्ञान है, यह अज्ञान दूर करेगी मेरी माउली, मेरी माँ। गीताई माउली माझी तिचा मी बाळ नेणता पडता रडता घेई, मतलब मैं गलती करता हूँ उचलोनी कडेवरी तो मुझे उठा लेती है। ऐसा तत्वज्ञान इस भूमि ने दिया है। और प्रस्थान त्रयी का तीसरा भाग जो दिया है, जो आज के दृष्टि से अत्यंत सापेक्ष है, परिप्रेक्ष्य है और यथार्थ है, और वह डॉक्टर जेसी कुमारप्पा ने दिया है, और वो है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस का। और इकोनॉमी ऑफ परमानेंस को ही आगे चल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में उद्धृत किया है। तो ये एकात्म मानव दर्शन और इकोनॉमी ऑफ परमानेंस भी हमारे हमारे तत्व ज्ञान के दर्शन का एक भाग है। और मुझे बड़ा गर्व है कि यह इकोनॉमी ऑफ परमानेंस का जो जन्म है वो 1921 में डॉक्टर जेसी कुमारप्पा ने वर्धा के मगनवाड़ी में दिया है। उन्होंने अपने संकल्पना को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम तो कहते हैं, आप सब लोग तो ज्ञानी है, फिलोसॉफी जानते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो भी पैदा हुआ है वो नष्ट होने वाला है। यह निर्मिति का न्याय है, यह निर्मिति का नियम है कि उत्पत्ति होगी, स्थिति होगी और लय होगा। तो जेसी कुमारप्पा कहते हैं, जिसके इस प्रस्तावना में गांधी जी ने लिखी है, वो कहते फिर परमानेंट क्या है? वो कहते हैं कि हर जीव की एक आयु होती है। जैसे एक फूल है, सुबह खिलता है शाम को मुरझा जाता है, लेकिन अगर हम नदी कहेंगे तो नदी सालों साल हजारों साल बहते रहती है, तो नदी फूल के तुलना में परमानेंट हो गई और फूल ट्रांजिएंट हो गया। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ट्रांजिएंट वस्तुओं पे डिपेंड ना करके परमानेंट वस्तुओं पे डिपेंड हो, और परमानेंट वस्तुओं का परमानेंस कैसे बढ़ता जाए इस पे अगर हमारा तत्व ज्ञान, हमारी इकोनॉमी अगर निर्भर करे तो यह देश सुजलाम सुफलाम होगा। और यही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानवतावाद में कही। उन्होंने ये कहा है कि मानव कभी भी अलग नहीं हो सकता, वह निसर्ग का ही एक भाग है, प्रकृति का ही एक भाग है। और प्रकृति के शोषण के बजाय मानव अगर प्रकृति के दोहन की तरफ जाएगा तो यह प्रकृति भी रहेगी और मानव भी रहेगा, और दोनों का जो अस्तित्व का संबंध है वह संबंध कायम रहेगा। ऐसा ही एक प्रयोग मैंने अभी हमारे गढ़चिरौली जिले के मेंढा में देखा। वहां के जो हमारे जनजातीय लोग हैं उन्होंने ये कुछ पढ़ाई नहीं की है,
दे डोंट नो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस होया, उनको ये भी पता नहीं है कि एकात्म मानवतावाद क्या होता है। लेकिन उन लोगों की जो धारणा है वो इतनी अच्छी धारणा है, मैं आपको बता दूं 5 मार्च को हर साल महुआ का सीजन शुरू होता है। तो हमारे जनजातीय बंधु 5 मार्च से 15 मार्च तक पोला मनाते हैं। पोला मतलब छुट्टी, दे डोंट गो टू फॉरेस्ट, वो जंगलों में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जो महुआ आता है, ये महुआ सबसे पहले कील कौओं को, पंछियों को, मकोड़ों को, चींटियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, और 10 दिन के बाद जो बचता है वो तोड़ के लाते हैं। कितनी उदार भावना है, देखिए प्रकृति के साथ रहने की कितनी अच्छा, कितना अच्छा तत्वज्ञान है। जैसे बांस को तोड़ते हैं, पहले यह हुआ करता था कि इंडस्ट्री बांस को तोड़ के ले जाती थी तो जंगल खत्म होता था। जो 78% गढ़चिरौली जिले का जंगल था वो धीरे धीरे करके 73% पे आ गया। पिछले 10-12 सालों से ग्राम सभाओं को जंगलों का अधिकार मिल गया और बांस की कटाई ग्राम सभाएं करने लगी। तो ग्राम सभाओं की जो साइंटिफिक विजडम है वो देखिए, बांस का जो वन होता है वो 7 बांसों का 9 बांसों का या 17 बांसों का होता है और उसमें मेल फीमेल होते हैं। ये जनजातीय लोग जानते हैं मेल कौन सी फीमेल कौन सी, वो बराबर जोड़ियों को रखते हैं। 9 बांसों का अगर समुदाय है तो उसमें से 4 तोड़ेंगे, 17 का है तो उसमें से 8 तोड़ेंगे। हाँ बस एक मिनट ज्यादा लेता हूँ, ज्यादा कुछ तो। और जो बचे हुए बांस है उनका ऐसा अनुभव है कि 3 साल के अंदर वो बचे हुए बांस नए बांसों को निर्माण करते हैं। तो जब जंगल 73% तक आ गया था, पिछले 10 सालों में बढ़ के फिर से 78% जंगल हो गया। ये जो फिलॉसफी है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की, या जिसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानवतावाद कहते हैं, वह भी भारतीयता का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। और इसको भी मुझे लगता है कि विद्वत जनों ने अपने अभ्यास में रखना चाहिए। हम प्रस्थानत्रयी जरूर पढ़े, वैदिक प्रस्थानत्रयी पढ़े, संतों की पढ़े, पौराणिक पढ़े, लेकिन उसके साथ साथ जो अर्वाचीन ज्ञान है, आज का ज्ञान है, मॉडर्न ज्ञान है, उसको भी अपने अभ्यास में शामिल करें। आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने की संधि दिया। एक्चुअली आई एम ए राउंड पेग इन स्क्वायर होल, क्योंकि मैं अभियांत्रिकी का विद्यार्थी हूँ तो तत्व ज्ञान से वगैरह मेरा वैसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन रजनीश जी ने पता नहीं क्या मेरे में देखा और मुझे बोला कि आप आ जाइए, तो मैं भी आ गया और जैसे भी अपनी टूटू भीटी थी वो आपके सम्मुख पेश किया हूँ। आपको ठीक लगे तो लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। धन्यवाद। तुमचा पण खूप खूप आभार साहेब। नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रोफेसर एल पी सिंह, जनरल प्रेसिडेंट ऑफ 95th सेशन ऑफ आईपीसी, टू अड्रेस दिस हॉल। प्रोफेसर प्लीज सर। Honorable Professor Rajneesh Shukla Ji, the Vice Chancellor of Bardha Antarrashtriya Hindi Mahatma Gandhi Antarrashtriya Vishwavidyalaya, he is a most distinguished professor, a thinker, and a very dynamic person. And I wish he should, from here, he go to Delhi and become the member of the parliament and the occupy a prestigious cabinet berth there. I pray to God to bless him. Professor S.R. Bhatt, the chairman of IPC, and a most distinguished professor and thinker, is my friend, philosopher, and guide. Professor Paneer Silvam, the General Secretary of IPC, and a most distinguished professor and a great organizer. For last so many years, he is organizing the conference.
Professor Nirja Gupta, a most distinguished scholar of English poetics, and he has been awarded the honorary professor of Oxford University. So we should felicitate her, because this is a great achievement, not only of Nirja Gupta, but this is the honor of the India also. Professor Daleep Mahanta, he is my most loving friend, a distinguished professor, not only of Buddhism, normally he is considered as the Buddhist scholar, but I consider him as a philosopher and a thinker. Professor Mao is a good friend of mine. I have had the opportunity of meeting and interacting with him at Ceylon. I am, as a general president of this session, I have prepared a written address. This is my stray thoughts, and I'm putting before you, before the academicians, scholars, and the young students and the budding scholars coming from different parts of India to think, to examine, to evaluate, and come to certain conclusion. I have highlighted the salient features of the Indian philosophy, particularly Advaita Vedanta or Advaitism, as portrayed and depicted in Vedanta and Kashmir, Shaivism, and even Sufism. So I am just, with the permission of the president, I am trying to, and it has been distributed to all of you. Consciousness can be defined as embodying mysticism, metaphysics, and truth. It is a subject that has long been debated by scientists and Indian and Western philosophers, not always in agreement to find the meaning of its enigmatic presence in human life. Consciousness is essentially a substratum of harmonious universe called cosmos, that is Brahman. It is homogeneous, eternal, and cannot be separated by reasoning, because it is beyond cause and effect and time and space, that are mental construct. While space is an extensor of mind, time is a unit of mental measurement. Consciousness exemplified mysticism and a metaphysical truth. Mass and energy originate from it, and its nature is characterized by absolute speed and absolute power. Truth is what consciousness is, and mysticism nothing but revelation of truth. What is real is cosmic consciousness, means Brahman, manifested in nature and its animate and inanimate beings and splendorous phenomena. That consciousness is separate is a notion caused by spatio-temporal perception and time-space. It is nothing but illusion. When one experiences consciousness, all differences between the subject and object disappear. The difference between the self and the world lies not in how world has been created, but in our inability to understand and experience consciousness or ascetic mysticism. The individuality of consciousness finds an unmistakable echo in Schrodinger's writing. Schrodinger is a great scholar of Vedanta, and he's a founding father of quantum mechanics. Schrodinger writes, according to him, to divide or multiply consciousness is meaningless. In the world, there is no kind of framework within which we can find consciousness in plural.
दिस इज सिंपली समथिंग वी कंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ द स्पेसियो टेम्पोरल पोलरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इज दस ए फॉल्स नैरेटिव बिकॉज ऑफ इट ऑल फिलोसफी सकम्स अगेन अगेन टू द होपलेस कंफ्लिक्ट बिटवीन थियोरेटिकली unavoidable acceptance of Berkeleyan idealism and its inability to understand the real world. The only solution to this conflict on the basis of whatever is available to us lies in the ancient wisdom of Vedanta, Upanishad, and unquote. He is referring to the Upanishadic precept that world and consciousness are one and the same thing as both are constituted of the same truth. Stephen Hawking's views on the subject is both illustrative and grudging. In his book, Grand Design, he writes, how does the universe behave? What is the nature of reality? Where did all this come from? Did the universe need a creator? Most of us do not know, spend most of our time worrying about these questions. But almost all of us worry about them at some time or other. Traditionally, these questions for philosophy, but philosophy is dead and philosophy has not kept up with the modern development in science, particularly physics, unquote. The reality is that philosophy is not dead, rather, science has become philosophy. Problem of what and where have been fundamental to the philosophical discussion since the beginning, and the problem of how comes within the domain of scientific investigation and discovery. Scientists themselves are now trying to understand, reflect, and solve problem of why, unlike those in their community who propagate theories inspired by ontological materialism. Till the other day, they were living imprisoned in Plato's cave with their backs away from the light and saw only the shadows on the wall. Now that they are coming out of cave and they are able to experience light in form of truth as postulated by ontological mysticism, ontological spiritual. As a result, there is a growing convergence of science and philosophy that has made philosophy alive and vibrant and science a living subject. The issue whether matter is wave or particle was earlier rooted in misunderstanding, but now there is realization that matter is neither wave nor particle. It is intrinsic to consciousness. What is variously called by philosopher as a Brahman, Atman, Sunyata, Tao, reality, truth, depending on where they come from. Significantly, both on science and philosophy seek truth and reality. The classical science was initially concerned with exploring the objective truth. Pardon? Okay, this has been distributed, so I am just escaping, and last page I am just reading out. We thus notice a happy and harmonious blending of the spirituality of the East and science of the West. The modern science has succumbed to some extent in explaining some of the mysteries of nature. It understands that there is indeed harmony and order in nature that rules the universe, and that nature has not yet any limit on the realization of human hopes and aspiration. Further, while spirituality brings wisdom to unravel truth, virtue, and nirvana, science adds means to unravel the mystery by providing knowledge. In the state of spiritual sublimity, we are now face to face with both truth and reality. Integrating and mediating between ratiocination and reflection is a great intellectual and moral adventure and most rewarding achievement today.
However, the impact of ontological materialism, as propounded by most scientists, has adversely impacted our civilization by giving undue emphasis on the developing materially rather than spiritually. As a result, the unprecedented and uncontrollable advancement in science and technology has harmed our civilization that was born out of love and compassion. We now value material achievements more without keeping in our mind the importance of ethical and spiritual value. We forget that the strength of civilization doesn't lie in its material accomplishments, but in ideas that elevate mankind to improve social and political condition of individual. Actually, civilization is an expression of cosmic spirit in which all lives are sacramental. For proper understanding and comprehension of ultimate reality, described also as cosmic consciousness or nirvana, one needs to equip himself with a proper frame of mind cultivated by mystical and moral discipline of non-attachment, non-discrimination, and longing for realization of truth in its wholeness. Pursuing philosophy and science in an amateurish fashion will only lead to confusion and contradiction. The path to realize ontological mysticism is not easy. It is like walking on the razor's edge, as it has been depicted by Kathopanishad. The Upanishadic seers have rightly advised to arise, awake, and learn by approaching excellent ones. The wise one described that path to be impossible, a razor's edge, which when sharpened is difficult to keep. Okay. Yeah. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के प्रोफेसर गोविंद शरण उपाध्याय जी को सहृदय आमंत्रित करती हूं. प्रोफेसर गोविंद शरण उपाध्याय जी. ॐ सं गच्छध्वं संवदध्वं शम्भुमनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वी संजनाना उपाशते. सर्वेषां नमस्करोमि. मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं इस महान सम्मेलन में उपस्थित हुआ हूँ. और मैंने यहाँ आने के बाद ये निश्चित किया कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा में ही बोला जाए. वैसे आपका भारतवर्ष बहुत बड़ा है. दिल्ली से उत्तर की ओर एक छोटा सा राज्य है, राष्ट्र है, वो नेपाल है. छोटा सा है, उस राष्ट्र से मैं आता हूं और आप देख रहे हैं मैं भी छोटा ही हूं. तो मेरी ये प्रार्थना है कि इस छोटे से आदमी से बहुत बड़ी बातें आप एक्सपेक्ट न करें. लेकिन नेपाल और भारत के संबंध इस तरह के हैं जैसे ये अविभाज्य संबंध हैं. मैं नहीं समझता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में वी आर द टू नेशंस, बट इन द सेंस ऑफ द कल्चर्स, रिलीजन्स,
we don't have any kind of the boundaries. All boundaries ends in our heart, because we are the very similar. We are sharing the same cultures, same religions, and more, we also share the food even. तो छोटे से पड़ोसी होने के नाते, छोटा सा व्यक्ति होने के नाते, यदि मैंने आपको छोटी सी बात कही है, तो इस बात का ये भी मतलब है कि उस छोटे से देश में छोटा सा दर्शन शास्त्र विभाग है, उस छोटे से दर्शन शास्त्र विभाग में मैं अध्यापन रहता हूं। और इस महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के एसोसी प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी का तो मेरे ऊपर इतना प्रेम है कि आपने, गोविंद जी आपको शामिल होना होगा, और आपने ये ग्रैंड अवसर जो मुझे दिया है, आपको हार्दिक नमन करता हूं मेरी विभाग से और त्रिभुवन विश्वविद्यालय की ओर से भी। एंड भट्ट जी, हु इज द चेयरमैन ऑफ एशियन फिलोसॉफिकल कॉन्फ्रेंस एंड प्रोफेसर पेन्ना, बोथ आर माय गुरुवर, एंड आई वुड लाइक टू मेनी थैंक्स हु हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी स्टैंड हियर टू से समथिंग। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हिंदी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मत कहना कि आप नेपाल के होकर के टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हैं, तो ये टूटी फूटी हिंदी आपको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। अब माएं जानती हैं, प्रोफेसर सब माँ के समान हैं, ये जानते हैं कि जब कोई बच्चा टूटी फूटी बोलता है तो उसे अच्छा ही लगता है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न चांसलर प्रोफेसर प्राध्यापक गणों को मैं हार्दिक नमन करता हूं, जो आगे मंच पर बैठे हैं, वास्तव में प्राध्यापक गण तो वो हैं, आप लोगों को सबको नमस्कार करता हूं। दर्शन शास्त्र और दर्शन शास्त्र का संबंध नेपाल और भारत के बीच में, मैंने कहा कि जैसे सांस्कृतिक बाउंड्रियां नहीं है, उसी तरह से दर्शन शास्त्र की भी कोई बाउंड्रियां नहीं है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब कोसी और गंडकी नदी बह करके भारत में आ जाती हैं, तो वो भागीरथी बन जाती हैं। आती तो नेपाल से ही हैं। और बौद्ध धर्म का संबंध खासकर भगवान बुद्ध की उत्पत्ति के साथ में नेपाल के संबंध है, और जैन दर्शन का संबंध ऋषभदेव से है, जिन्होंने गंडकी के किनारे में तपस्या किया। महाराज भरत का भी संबंध जो है वो गंडकी के किनारे से है, उन्होंने वहां पर तपस्या किया जहां शालिग्राम उपलब्ध है। और बहुत सारे ऋषियां, जैसे जैमिनी दर्शन का भी संबंध गंडकी नदी से है, और ये डिबेट का विषय अवश्य है, लेकिन हम तो मानते हैं कि महर्षि पाणिनीय भी पणिनी गांव में, अर्घ खांची जिला है, वहां पर वो जन्मे कहीं होंगे, लेकिन ऋषियों का कोई देश तो होता नहीं, कहीं भी जा सकते हैं, हम इनको राष्ट्रीयता में बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि नहीं, वो भी नेपाल में रहे और उन्होंने व्याकरण की साधनाएं की। आज के परिप्रेक्ष्य में दर्शन शास्त्र के लिए कुछ चैलेंजेज हैं, उन चीजों को इस महासभा में हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, नहीं उठान करेंगे, तो लगता है कि हमारी महासभा की जो व्यापकता है उसको प्रवर्धन करने में और अवसर मिलेगा। मुझे खासकर जब दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूं, तो हमारे यहां, खासकर नेपाल में, अब यहां भी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शनों को अवैदिक कहकर पढ़ाया जाता है, जो मुझे कभी कभी लगता है कि ये कुछ अनजस्टिस है, मुझे लगता है,
इसका कारण ये है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन की दोनों धाराएं वैदिक संस्कृति से विकसित हुई, अभी वो धर्म हैं, ये विशिष्टता है, वो होनी चाहिए। उनको ये नहीं कहना है कि आप हिंदू हो, लेकिन उन्हें ये कहना है कि ये अवैदिक हैं, ये ठीक नहीं है। ये गैर हिंदू हैं, सनातन धर्म के कतिपय वैदिक प्रमाणों को यह स्वीकार करते हैं, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि इसी वैदिक धारा से उनका प्राकट्य हुआ, इसी में हम लोग साथ रहते हैं, तो इस विषय में हम लोगों को सोचना होगा। और जब हम दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं तो रिलीजन और दर्शन, रिलीजन और धर्म की परिभाषाओं के ऊपर भारत और नेपाल में अब व्यापक परिभाषाएं चलनी चाहिए, बहस चलना चाहिए। क्यों हम धर्म और रिलीजन को एक माने, क्यों ट्रांसलेट करें, क्यों हम दर्शन शास्त्र और फिलोसफी को एक माने, क्योंकि दर्शन धारा, दर्शन शास्त्र और फिलोसफी के जो विशिष्ट पक्ष हैं वो बिल्कुल फर्क फर्क हैं। भारत और नेपाल के दार्शनिकों को मैं आग्रह करता हूं कि खासकर बौद्ध दर्शन को अवैदिक कहने के संबंध में वो, और जैन दर्शन को अवैदिक कहने के संदर्भ में केवल वेद की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन मूलतः मुझे नहीं लगता कि अवैदिक हैं। तो मेरा ये तात्पर्य नहीं कि वो वेद हिंदू धर्म के अंतर्गत होना चाहिए, ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं है। और अभी जो समस्याएं विश्व की, नैतिकता की समस्याएं, संभवतः मुझे लगता है कि वैदिक दर्शन के जो धर्म के 10 नियम है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, इन धर्म को एंडोर्समेंट करें विश्व के लिए एक वैश्विक नैतिकता के तह पर, तो संभवतः भारतीय दर्शन, भारतवर्षीय दर्शन का जो उन्नयन होगा वो वैश्विक तह पर अन्य दर्शनों के अपेक्षा बहुत बड़े स्तर पर होगा। वैसे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में रह, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में आते हुए दो चीजें मुझे इन्फॉर्म भी करनी है। नेपाल के दो विद्वान हुए, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ये वहां के वरिष्ठतम विद्वान है, उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर 20 सेनेट्स लिखे हैं, और इतने पीड़ित थे उन्होंने महात्मा गांधी के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। तो महात्मा गांधी के लिए उन्होंने कहा कि ये महात्मा गांधी जी, ही इज, महात्मा गांधी इज द ट्रेजर ऑफ द फिलॉसफी, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। तो संभवतः तो मैं आचार्य प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी को वो सीनेट में आपको हस्तांतरित करूंगा। और दूसरे हुए लेखनाथ कवि, उन्होंने करीब करीब 150 श्लोकों का नेपाली कविता वली लिखी, और उसका हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है, किसी महानुभाव ने, किसी नेपाली ने अमेरिका में रहकर उसका हिंदी में भी अनुवाद किया, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। और लेखनाथ पौड़ेल, ये इतने आहत हुए महात्मा गांधी के हत्या से कि उन्होंने उनके स्मरण में ये दो किताबें, उन्होंने ये सत्य संदर्भ करके ग्रंथ लिखी हैं, वो भी मैं आचार्य जी को हस्तांतरण करूंगा। तो ये छोटी सी बातें हैं, मैंने अपनी इच्छाएं भी जाहिर की और अपनी बातें भी रखी, और इस महासभा में मुझे बोलने का अवसर दिया, सब गुरुजनों को, सब छात्रों को, अध्येताओं को, खासकर मंचासीन गुरुवरों को, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि सबको प्रणाम करता हूं। मेरे ख्याल में
नमस्ते करना, प्रणाम करना बहुत सहज है। आपने याद किया है, गुड मॉर्निंग कहूंगा तो घड़ी देखना पड़ेगा, गुड इवनिंग कहूंगा तो घड़ी देखना पड़ेगा, लेकिन नमस्ते यूनिवर्सल है, कोई घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज यूज द वर्ड नमस्ते, एंड इट्स यूजुअल, इट्स वेरी इजी एंड फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, मुझे आप लोगों ने झेला, और अंत में मैं आप लोगों को छोटा सा डिपार्टमेंट होते हुए भी थोड़ा सा उत्तर की ओर नजर डालें और नेपाल को भी याद करें। नेपाल आपके लिए हमेशा स्वागत के लिए तैयार है, खासकर मेरा छोटा सा डिपार्टमेंट इन त्रिभुवन विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, खासकर प्रोफेसर रजनीश शुक्ला जी को भी, शुक्ला जी है जयंत जी, जिन्होंने कोऑपरेट किया है, आप लोगों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं भारतीय दर्शन महासभा के चेयरमैन प्रोफेसर एसआर भट्ट जी को मंच पर बुलाऊं, उससे पहले मैं सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को ये सहर्ष सूचित करना चाहती हूं कि हमारा विश्वविद्यालय परिवार आपके आतिथ्य के लिए कटिबद्ध है, और इसी की कड़ी में हमारे जनसंचार विभाग ने एक प्रयोग किया है। वहाँ के विद्यार्थियों ने मिलकर के उद्घाटन सत्र और आगे संपूर्ति सत्र के लिए एक खास समाचार पत्र निकाला है। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे इस समाचार पत्र का अनावरण करें, और विद्यार्थियों के प्रतिनिधि के रूप में मैं खुशी खान जी को आमंत्रित करती हूँ। जितने भी विद्यार्थी इसमें लगे थे सब आ जाएं। संचार विभाग के जितने भी विद्यार्थी समाचार पत्र को छापने में, इसकी एडिटिंग में लगे थे, या डेफिनेटली दे वर इन्वॉल्व्ड, वो केवल कृपया मंच पर आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं भारतीय दर्शन महासभा के अध्यक्ष आचार्य एस आर भट्ट जी को सादर अपने वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। आचार्य एस आर भट्ट जी, ओम तस्मै ब्रह्मणि नमः। डिग्निटरीज ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस, विदाउट नेमिंग एनी वन, आई से सर्वेभ्यो नमो नमः। आई सैल्यूट ऑल द स्कॉलर्स हु हैव assembled here. This is the 95th session of Indian Philosophical Congress and fifth session of Asian Philosophy Congress. We have combined the two sessions so that our deliberations can have a dissemination throughout Asia and through Asia throughout the globe. On behalf of these two organizations, of which I happen to be the chairman, I welcome all of you, particularly the young scholars.
I find that young scholars are present here in a very large number. And not only the future of our country, the future of philosophy as a discipline also lies on their shoulders. And therefore, I beseech the young minds to come forward with innovative ideas so that there is a enhancement of philosophical thought in our country for global peace. Our rishis and sages have always talked of sarve bhavantu sukhinah. So let us have this message spread all around the globe that from aham, from ego, let us go beyond, transcend ego and touch sarvam. This journey from aham to sarvam. This is philosophical message to humanity. And this is what we call as a spiritualism in Indian context. So let this sort of message spread all over through our enterprise, philosophical enterprise. I therefore request our young minds in particular to talk of universalization, spiritual globalization, so that there is peace and prosperity in the world. Philosophy has been a foundational discipline. We call it as Pradipa Sarva Vidyanam. It has been the guiding spirit, the overriding principle for all disciplines, both Vidya as well as Avidya. Unfortunately, due to centuries of slavery, we have lost our moorings. We have been uprooted from our roots. And therefore, again, I would appeal the young minds to rejuvenate philosophy. Bring fresh ideas in our culture, which is noble and sublime, for universal wellness, not for any narrow ego consideration. We find that all around there is a unfortunate spread of ego, resulting in hatred, war, and things like that. So we have to liberate humanity by liberating philosophy. Liberating philosophy means that the philosophy should be such as to make us realize both material prosperity, prayers, and spiritual enhancement, shreyas. Not mere prayers, nor mere shreyas. A happy symbiosis of the two. This is what is meant by purushartha, which we shall be deliberating subsequently. The other point that I would like to make is that at present, state of philosophy is quite melancholy. We find that due to mishandling of the subject matter of philosophy, we are finding that it is depleting all over the country. I appeal particularly the vice chancellors of different universities who are present here
to rejuvenate philosophical thinking so that it becomes socially relevant and useful. Philosophy need not be abstract thinking or brooding. It must have concrete, practical orientation. This is the need of the times. And therefore, let us have what I used to say again and again, liberation of philosophy. Now, in our country, we are celebrating 75 years of our, what I call as political independence, political liberation. They are asking you complete. Who? Political freedom, of course, is good, but more important is intellectual freedom. If our mind is not free, our action also will not be conducive to our wellness. So we have to give up our intellectual slavery and have freedom of ideas, Swaraj in ideas, to put it in the words of Professor K.C. Bhattacharya. And for that, we have a tremendous responsibility, not only of teachers of philosophy, but society at large. So, therefore, the theme of the conference, I suggested, is freedom and responsibility. Freedom is, of course, needed, but more important is responsibility to understand freedom in its concrete form and to realize that sort of freedom all around. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I would request our chief guest, Vice Chancellor of Sanchi University of Buddhist Indic Studies. I'm really sorry. I may be very haphazard. I have missed one and very important, our very own and our support system, Member Secretary of Indian Council of Philosophical Research, Professor Sachidanand Mishra ji. नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। मुझे आप क्षमा करेंगे क्योंकि मैं गांधी के स्मरण में स्थापित विश्वविद्यालय और जिस कार्यक्रम की थीम है, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम की जो थीम है वह है स्वतंत्रता और रिस्पॉन्स, जिम्मेदारी। तो यह स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को केंद्र बना करके गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। और वह ग्रंथ जो उन्होंने लिखा था वह मुख्यतया गुजराती में उन्होंने लिखी थी। तो मैं अपना वक्तव्य इस सत्र में कम हिंदी में रखना चाहता हूं और रखूंगा। अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां पर अधिक समय लेने का औचित्य भी नहीं है। दो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस और एशियन फिलोसॉफी कांग्रेस। और इन दोनों ही कार्यक्रमों का यह जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन के पीछे एक तरह से मुख्य आधार के रूप में हमारे साथ जो उपस्थित हैं
वो हैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, और उनके ही प्रयास से यह दोनों कार्यक्रम वर्धा में आयोजित हो रहा है और हम सभी उसमें सहभागिता कर रहे हैं। और यह जो इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विद्वज्जन हैं, अनेक आचार्यगण, अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, अनेक विश्वविद्यालयों से पधारे हुए दर्शन के विभिन्न विद्वान और शोधार्थी, इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस हुआ करते हैं, जो संगोष्ठियां हुआ करती हैं, वह संगोष्ठियां वस्तुतः हमारे ज्ञान को, हमारे विचार को अन्य लोगों के साथ बांटने का कार्य करती हैं, जिनके माध्यम से, जिसको कि कहा गया है, भर्तृहरि ने कहा है अपने ग्रंथ में, प्रज्ञा विवेकम लभते भिन्नई रागम दर्शनई ही कियद्वा शक्यमुन्ने तुम स्वतर्कम अनुधावता। हम अपने ही तर्क पर आधारित होकर के बहुत आगे तक नहीं जा पाते, लेकिन प्रज्ञा विवेक को प्राप्त कर लेती है, और प्रज्ञा और विवेक का जो जोड़ है, गठबंधन है, वह दर्शन के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है। इस प्रकार की जो संगोष्ठियां हैं, उन संगोष्ठियों में अनेक विद्वान जब अपनी बात, अपने विचार, अपने शोध अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, और उन पर जो अन्य विद्वानों के द्वारा टिप्पणियां आती हैं, जो सुझाव आते हैं, उन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में नए आयाम खुलते हैं। और इसीलिए परंपरा में यह भी कहा जाता है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। तो ये वाद की जो परंपरा है, और ये एक और अच्छी बात है कि इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस के इतिहास में पहली बार एक शास्त्रार्थ भी आयोजित किया जाने वाला है, जो कि हम लोग कल उसके साक्षी बनेंगे। तो यह एक ऐसा संयोग है कि जिस संयोग को आगे भी संजोया जाना चाहिए। यह भी एक अच्छा संयोग है कि यह जो इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस है, सामान्यतया आंग्ल भाषा के माध्यम से आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय में आयोजित करते हुए हिंदी का भी उसमें प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और साथ ही साथ शास्त्रार्थ की प्रक्रिया में संस्कृत का भी प्रभाव दिखाई पड़ेगा, जो कि हमारे दर्शनों की मूल भाषा रही है, प्रमुख भाषा रही है। अगर कहा जाए तो अन्याय नहीं होगा, असत्य नहीं होगा। यह कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य भाषाओं में जो दर्शन के विषय में कार्य किया गया है वह कार्य महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह अवश्य है कि यह संकेतित कर देने का उद्देश्य इतना अवश्य है कि संस्कृत में या हमारी मूल भाषाओं में दर्शन विषयक जो मौलिक चिंतन किया जाता रहा है, उसकी जो उपेक्षा अभी तक हुई है, उस उपेक्षा से हम आगे बचें। और निश्चित रूप से अनेक कार्य जो हिंदी भाषा में किए गए, महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाए, और केवल उसकी तरफ हमारा ध्यान ही न जाए, बल्कि हिंदी भाषा के माध्यम से या हमारी जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे कि गांधी जी तो आंग्ल भाषा में प्रवीण थे, और प्रवीण होते हुए भी उन्होंने अपना जो ग्रंथ वो गुजराती भाषा में लिखा। इसी प्रकार से अन्य भी अनेक आचार्यों का उदाहरण हम संदर्भ देख सकते हैं, जो आंग्ल भाषा में प्रवीण होते हुए भी उन्होंने अपने मौलिक कार्य, जो स्मरणीय हैं और महत्वपूर्ण हैं, वह कार्य उन्होंने या तो हिंदी भाषा में किया या तो अन्य भारतीय भाषाओं में किया। तो विचारों को वस्तुतः किसी विदेशी भाषा के वस्त्र से निरावृत करने की जरूरत है, और उसको, क्योंकि विचार जो होते हैं जब भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं, किसी भाषा का वस्त्र पहन करके ही उपस्थित होते हैं, तो यह आवश्यक है कि उन विचारों को हम भारतीय भाषाओं का वस्त्र पहना करके उपस्थित करें। और जब हम ऐसा कर सकेंगे तो दर्शन के चिंतन में
जो एक कृत्रिमता है, जो एक बनावटीपन है, उस बनावटीपन से हम मुक्त हो सकेंगे और शायद हम अधिक मौलिक रूप से चिंतन कर सकेंगे, विचार कर सकेंगे, और यह इस तरह के संगोष्ठियों का मूलभूत उद्देश्य हुआ करता है। धन्यवाद। अधिक समय न लेते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। एक बार ये संचालिका आपका नाम लेना भूल सकती है, पर यह विश्वविद्यालय परिवार आपको नहीं भूल सकता है। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट वाइस चांसलर ऑफ सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता फॉर हर एड्रेस। सादर वंदन। मंच पर आसीत आज के इस सत्र के अध्यक्ष महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दधिप्यमान कुलपति मेरे अनुज प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, जिन्होंने यात्राओं का एक अविरल सिलसिला यहाँ आरंभ किया और कई ऐसी यात्राओं के बौद्धिक यात्राएं हैं, वैचारिक यात्राएं हैं, सांस्कृतिक यात्राएं हैं, उनकी साक्षी मैं पिछले कुछ वर्षों से निरंतर बनती रही हूं, क्योंकि मेरा नाता इस विश्वविद्यालय से न सिर्फ उनके कार्यकाल से बल्कि उसके भी बहुत वर्षों पहले से यहां से जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये एक विभिन्नता का आयाम इस विश्वविद्यालय में आपके आने के बाद देखा है, जो बहुत ज्यादा, जिसे हम कहें एक परिवर्तनकारी काल से आप इस विश्वविद्यालय को ले जा रहे हैं, और उसका परिणाम आज एक ऐसी दो संस्थाओं का ये अधिवेशन है इस पूरे समागम में, जिसमें एक तरफ एशियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस और एक तरफ भारतीय दार्शनिक संस्था एक ही मंच पर जब जुड़ती है, तो हम ऐसे विषयों की तरफ इस पूरे दर्शन को ले जा रहे हैं जिसमें स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, रिकंस्ट्रक्शन या उसको कहें तो रिजरक्शन, एक तरह के हम बिंदुओं को पार करना जा रहे हैं। इसके बिंदु केंद्र आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल जी, दोनों ही संस्थाओं के मूर्धन्य अधिकारी गण, जिसमें मेरे गुरुवत प्रोफेसर एसआर भट्ट जी, श्री पनीर सेल्वम जी, श्री एलपी सिंह जी, गोविंद शरण उपाध्याय जी, प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, नेपाल से आए जैसा कहा गोविंद शरण जी, श्री दोनों प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी और प्रोफेसर चंद्रकांत रागीट जी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर कादर नवाज खान जी, अभी जो हमारे मध्य से होकर गए यहाँ के सांसद आदरणीय रामदास तदत जी, और पीछे की पंक्ति में आप हमारे साथ मंच ऊपर विद्यमान अग्रिम से अंतिम पंक्ति तक दर्शन शास्त्र से या इस विश्वविद्यालय के परिवार से जुड़े आप सभी मूर्धन्य विद्वानों को मेरा सादर वंदन। मुझे बहुत औचित्य नहीं समझ आया कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी विषय की मूल रूप से छात्रा हूँ, जो संयोगवश एक बुद्धिस्ट इंडिक विश्वविद्यालय में इस समय कार्यरत हूँ। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी संयोग अकारण नहीं होता, उस संयोग में एक निर्वाह करने की एक भावना होती है, और वो निर्वाह प्रश्नों से होते हैं। दरअसल जब किसी भी हम अधिवेशन की एक थीम देते हैं, एक कथानक देते हैं, तो हम उस कथानक से यात्रा आरंभ करते हैं, जबकि होना यूं चाहिए कि उस कथानक तक पहुंचने की यात्रा पर परिसंवाद होना चाहिए। हम किस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं,
हम किस उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं, हम किस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या वो इकोसिस्टम सिर्फ नेचर से रिलेटेड है, क्या हम उस नेचर का भाग हैं या नहीं है, उस इकोसिस्टम में हम कहीं आते हैं या हम सिर्फ उस रेस्टोरेशन को दूर से एक दर्शक बनकर देखते हैं और वो रेस्टोरेशन किसी और की जिम्मेदारी है, किसी और का उत्तरदायित्व है। मैं अगर कुछ पंक्तियां बोलूं तो आपको एक आजकल चलने वाले टीवी की डिबेट का दृश्य लगेगा। जैसे यदि मैं कहूं कि द स्पीकर हैज टू बी लाउडर, सो लाउड दैट ही शुड नॉट लिसन टू अदर पीपल, दे शुड कीप ऑन रिपीटिंग देयर ओन नैरेटिव whether the question relates to that or not, they should not listen to other at all, and if anchor wants to interfere, they should call the anchor biased. अगर मैं ये सब बोलूं तो आप कहेंगे ये तो हम रोज देखते हैं, टीवी पे आता है, टीवी पे आजकल ऐसी ही डिबेट होती है। पर माफ कीजिए, मैं अन्वय कर रही हूं 17वीं शताब्दी के एक श्लोक का, और वो श्लोक कली विडंबनम नामक एक ग्रंथ का भाग है, जो श्लोक है, ना भेदव्यम ना श्रोतव्यम ना श्राव्यम वादिनो वचः झटिति प्रतिवक्तव्यम सभासु विजिगाशु। अगर सभा में आपको जीतना है तो ना सुनो ना देखो ना समझो, झट से बीच में बोल दो, और ये 17वीं शताब्दी कह रही है। हम आज प्रश्न उठाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, हम आज प्रश्न उठाते हैं हमारी फ्रीडम पे, कौन सी स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता भाषा से आएगी या स्वतंत्रता विचार से आएगी या स्वतंत्रता कर्म से आएगी या स्वतंत्रता पुरुषार्थों का भाग है जिसे रामायण महाभारत और न जाने कितने भाग्य त्रिवर्ग कहते हैं। और धर्म अर्थ काम हमेशा इस ऑर्डर में जीवन में नहीं आते। जब हम कम्युनिस्ट से बात करते हैं तो वो अर्थ से बात शुरू करते हैं, जब हम कैपिटलिस्ट से बात करते हैं तो वो काम से बात करते हैं, और जब हम ओरिएंटल देशों की शासन प्रणालियों में बात करते हैं तो वो धर्म से बात शुरू करते हैं। और माफ कीजिए, अंग्रेजी में शस्त्र और शास्त्र दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, इसीलिए मैंने हिंदी चुना आज यहां बोलने के लिए, क्योंकि जब मुझे शस्त्र और शास्त्र का विभिन्न एक परिपेक्ष रखना हो तो मुझे पूछना पड़ता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट आर माय गोल्स फॉर दिस रिकंस्ट्रक्शन। हम क्या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्या हम उस मौलिक को फिर मौलिक रूप देने चाह रहे हैं या हम कृत्रिम को मौलिक जैसा बना रहे हैं, क्या हम कृत्रिमता को मौलिकता का जामा पहनाकर नए आइलैंड्स बना रहे हैं, नए द्वीप बना रहे हैं, नई भाषाएं बना रहे हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बता रहे हैं जब हम खुद अपोलोजेटिक हैं, जब हम खुद हर बात में प्रमाण मांगते हो, यहां तक कि प्रमाण की जो है जो दिखता है उसे भी दर्शन की तरह मूक भाव से कहते हैं पता नहीं संभव है। हमारे प्रमाणों में भी जब एक जिसे हम कहें कन्विक्शन ना हो तो हम उस तरफ के दर्शन की तरफ आज चल दिए हैं जहां फेक, रेप्लिका और आर्टिफिशियलिटी, इन तीन मूल भावों पर हम फिर से रेस्टोरेशन कर रहे हैं। और हम कहते हैं इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम, क्या मैं उस इकोसिस्टम का भाग हूं। इंसिडेंटली मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में है और कई बार वो बहुत फील्ड में लंबा काम करके आते थे तो मैं कहती थी क्या इतने कपड़े भी गंदे हो गए हैं, इतनी देर से आए हैं, बोलते हैं आज मड चल रहा था। मड क्या होता है, तो बोलते हैं जितना गहरा कुआं खोदते हैं उसमें से तेल और गैस निकालते हैं उसमें वापस हम मड भर देते हैं, मिट्टी भर देते हैं। क्यों भर देते हैं, क्योंकि हमें उसे बराबर करना है, जो गड्ढा खोदा उस गड्ढे को भर रहे हैं, पर क्या हमने उस गड्ढे को उसी पदार्थ से भरा जो निकाला, तो हमने भरा कैसे, क्या हम उसे गड्ढा भरना कहेंगे या हम उसे कृत्रिम रूप से अपने दायित्व से मुक्ति कहेंगे।
हम उस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि मूल क्या है। क्या हम मूल की तरह रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? उस रेस्टोरेशन का प्रोटोटाइप क्या है? और अगर मूल की तरह कर रहे हैं तो वो मूल देखने के लिए हमें कितना पीछे जाना होगा? क्या हम उतना पीछे जा सकते हैं जिस तरह से चांद को चोला पहनाना एक असंभव काम है, उसी तरह बनते बिगड़ते घटते बढ़ते मैं स्वयं किस तरह उस रेस्टोरेशन का पार्ट बन सकती हूं? हम बहुत उच्च स्वर में जब जोर से कोई बात बोले तो समझ ले कि अंदर की प्रतिध्वनि बहुत खोखली होती जा रही है। अमृत काल के इस काल में, जो हमारा स्वाधीनता का अमृत काल है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो अभी तो हमें यही नहीं पता कि हम भारत का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या इंडिया का कर रहे हैं। हमारे टूल्स क्या वो एलीट हैं या देसी हैं, और ये एलीट और देसी में क्या मौलिक है और क्या कृत्रिम है? 1947 में जब भारत की बागडोर इंडिया के पास गई, उसी दिन से हम एलीट बनना पसंद करने लगे, और इसीलिए हम दर्शन नहीं फिलॉसफी बोलते हैं, जबकि हमें पता है अंग्रेजी में दर्शन का कोई पर्यायवाची नहीं है। हम जब दर्शन की बात करें तो बाह्य दर्शन और अंतर दर्शन, बाह्यकरण और अंतःकरण जब एकाकार होंगे तो ही हमें मौलिक और कृत्रिमता, इन दो का भेद समझ आएगा, और तो ही हम उस रेस्टोरेशन तक पहुंच पाएंगे जिसे हमने बड़ा सा शब्द तो गढ़ दिया इकोसिस्टम, लेकिन हम उस इको की इको सुनने में असफल हो जाते हैं। हम बाहर की दीवारों को ही बार बार पेंट करते रहते हैं और हम उस पेंट में से अपनी एक छवि बना देते हैं और कहते हैं हमारी यात्रा सदियों पुरानी है, लेकिन उसके पद चिन्हों को अपनाने में I'm sorry to say we are too apologetic. And that is the reason our youth is at the crossroad. What is the truth? हम बार बार उन्हें ग्रंथ खोल के दिखाते हैं और कहते हैं हमारे पास प्रमाण है, ये सब ज्ञान विश्व में हमारा दिया हुआ है। हमारा यूथ कहता है हम मान लेते हैं, आपके प्रमाण को हम स्वीकारते हैं, लेकिन एप्लीकेबिलिटी का क्या? इसके आगे क्या? विषय को आगे ले जाकर उसकी वृद्धि करना ही आज हमारा दायित्व है। और एक बात, महिला हूं इसलिए कहना मेरा दायित्व है, आज की उपलब्धि, आज की सफलता मेरी आपकी नहीं है, उन पीढ़ियों की है जिन्होंने इस देश को गढ़ा है। आज मेरा और आपका दायित्व है उसी ईमानदारी से अगली पीढ़ी के लिए हम देश गढ़े, हम उस इकोसिस्टम का निर्माण करें जिसमें इस देश को प्रश्नों के साथ नहीं उत्तर के साथ खड़ा होना हो, जिसमें हम पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों को, हम ही उस नैरेटिव को लगाएं। आई थिंक आने वाले शास्त्रार्थ का ये मूल भाव होना चाहिए। फिर से आप सब ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके मध्य उपस्थित हूँ। यहाँ उपस्थित सभी चेहरे, जयंत जी हो, रोमसा है, आप सब हैं, सब पंक्ति में हमारे परिचित हैं, आप सबका फिर से इस परिवार का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। तमारे व्याख्यान माटे तमारा खूब खूब धन्यवाद छे नीरजाबेन। बिफोर आई कॉल आर वाइस चांसलर फॉर प्रेसिडेंशियल एड्रेस, स्पेयर मी 2 मिनट्स। देयर इज वन वेरी ग्रैंड एंड हैप्पी न्यूज फॉर ईच एंड एवरी इंडियन अकेडमिशियन, our very own executive council member and vice chancellor of Sanchi University of Buddhist Indic Studies, and currently our chief guest has been nominated as Oxford Academic Fellow, and
Professor Fellow for Life from Oxford University. I would request our Vice Chancellor, Professor Rajneesh Shukla sir, to please felicitate ma'am. It's a very proud moment for us and for our university family. मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आचार्य रजनी शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ। घबराइएगा ना, समय की का स्लिप मेरे पास पहले से है। Dignitaries of the dais, on the dais. मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे बात कहां से शुरू करनी है। अध्यक्ष की जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं, इस अवसर पर हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं, दर्शन के एक विद्यार्थी के तौर पर दर्शन के अध्येताओं के आगमन के अवसर पर एक आतिथेय की जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं, या सब छोड़ करके इस प्रकार के डाइकोटोमी में, इस प्रकार के द्वैत में पड़े बिना इस ऐतिहासिक अवसर पर जो विचार उभर करके सामने आए हैं उनमें अपने को जोड़ दूं। हम लगभग देर से शुरू होने के बाद भी समय के साथ हो गए हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष, द जनरल प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, 95th सेशन ऑफ आईपीसी, प्रोफेसर एलपी सिंह जी के प्रति निश्चित रूप से धन्यवाद करूंगा कि सबसे अधिक कटौती हम लोगों ने उनके समय में की। अनुरोध किया प्रोफेसर सल्वम ने कि यो लेक्चर इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑडियंस, सो दैट ट्राई टू समराइज, एंड ही हैज डन दैट ब्यूटिफुली। इस अवसर पर मैं एक बात और कहूंगा कि जब हमको ये अधिवेशन आयोजित करने का स्नेहपूर्ण निर्णय इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस की ओर से प्राप्त हुआ तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था। कहां टैगोर और राधाकृष्णन की परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ भारत के दार्शनिकों का या महान समवाय इंडियन फिलोसफी कांग्रेस, भारतीय दर्शन महासभा, कहां वर्धा, आज भी अरण्य जीवन में जीता हुआ, हम कैसे जुटा सकेंगे, और वो हो भी नहीं सका। मैं इस अवसर पर सिर्फ आप आए हुए सारे प्रतिनिधियों को कहूंगा, जब राम जंगल आए थे तो जंगल के निवासियों ने उनसे कहा था, नाथ हमार यह सबकाई ले हिन बासन बसन चुराही। तो हमने अगर आपको कोई तकलीफ नहीं दी, हमने आपका कुछ नुकसान नहीं किया तो यह हमारी सेवा समझिएगा, क्योंकि स्वाभाविक है वर्धा जैसी जगह पर कठिनाइयों का होना, आपको विविध प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही, यह अपरिहार्य है। इस निवेदन के साथ मैं ये जरूर कहूंगा, दिस कॉन्फ्रेंस एंड आर दीज कॉन्फ्रेंसेस
or being organized at very crucial juncture of time as so far the question of the existence of this globe is concerned. We are organizing this session in shadow of the failures of continuously 5 Earth summits. We are organizing this conference when UNO is in the quest to restore the ecosystem. Distortion happened, distortion taken place, and that all taken place willingly, deliberately, and very wisely also. The human intellect, human reason is by its very nature against the humanity. The history proved this. So that the threat which are foreseen by some scholars, philosophers, CEOs is not due to the nature, or this is due to the natural process of the evolution. This is man-made problem. So yesterday evening, Nirzadi was saying to me, ये कैसे संभव है? How does restoration possible? हम कहां जाएंगे? हम आगे के लिए कोई रास्ता तो देख सकते हैं, कोई सपना बना सकते हैं, कोई आइडिया बना सकते हैं, पीछे कहां जाएंगे? वो कौन सा पॉइंट है जिस पर रिट्रीट करके हम कहेंगे वी कॉम्प्लीटेड द रेस्टोरेशन? वो कौन सा पॉइंट है जहां पर हम कहेंगे द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अचीव्ड? एक बात अलग है कि ऑलवेज फ्रीडम कॉजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस वेरी टाइम the utmost responsibility of humankind is nothing but create a climate, but create an ecosystem which is thoda jeene layak to hamare ho jaye, manushya ke thoda jeene layak to ho jaye. ये अधिवेशन जब हो रहा था तो हम यह मान रहे थे कोरोना वापस चला गया है, यह अधिवेशन जब हम आयोजित कर रहे हैं तो हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हम फिर एक बार उस महामारी की चपेट में हैं. इसलिए रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम इज द ओनली क्वेश्चन विच each and every discipline of knowledge have to resolve, have to achieve, or have to initiate. इसलिए दुनिया तो देख रही है भारत की, और कोरोना के समय भी देख रही थी, उस जीवन दर्शन की ओर देखने की कोशिश कर रही थी, उस विश्व दृष्टि की ओर देखने की कोशिश कर रही थी जिस विश्व दृष्टि के आधार पर इसके उत्तर पाए जा सकते हैं. लेकिन यह प्रश्न है कि क्या विश्व दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, प्रोफेसर भट्ट ने यह लगातार लंबे समय से प्रश्न उठाए हैं, और उनके साथ काम करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे इसकी दृष्टि जो मिली है मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं. इज रेस्टोरेशन पॉसिबल? देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन?
इवन उन्होंने डिकेड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात की है. दिस डिकेड इज डेडिकेटेड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड रीओरिएंटेशन ऑफ द साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज, ऑल डिस्कोर्सेज एंड ऑल डोमेन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड टू मेक एफर्ट्स टू रिस्टोरेट दिस इकोसिस्टम. लेकिन जब तक हम दृष्टि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक शायद यह संभव नहीं हो सकेगा. और दृष्टि परिवर्तन मनुष्य और मनुष्य के इस संसार के साथ संबंध, इस धरती के साथ संबंध, इन संबंधों की दृष्टि नहीं बदलेंगे तब तक हम वहां लौट नहीं सकते. भारत ने कर दिखाया, इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं. भारत ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट को सामने रख करके एक दृष्टि बदली है. 510 मिलियन लोगों का जीवन 2,500 किलोमीटर से अधिक जो गंगा की यात्रा है, उस यात्रा में लगभग 1400-1500 किलोमीटर के इलाके में यह परिवर्तन अनुभूत होने लगा है. यह मैंने कहा दिस इज द रिजोल्यूशन ऑफ द यूएन. वो परिवर्तन इकोनॉमी का परिवर्तन है, वो परिवर्तन इंटरपर्सनल रिलेशंस का परिवर्तन है, वो परिवर्तन जल और मनुष्य के बीच रिश्तों का परिवर्तन है, वो परिवर्तन जल जंगल जमीन के प्रति नए प्रकार से यह सूडो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सो कॉल्ड डेवलपमेंट को इनकार करते हुए संपूर्ण जीवन दृष्टि को पुनर्व्याख्यायित करके जीने के यत्न का परिवर्तन है. यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं है, केवल पंचभूतों के प्रति ये शुद्ध हो जाए, ये शांति को प्राप्त हो जाए, इसका परिवर्तन नहीं है. यह तो इस देश की रोज की प्रार्थना में है, पंचभूतों की शांति की प्रार्थना, उनके यथावत होने की प्रार्थना, यह तो हमारा स्वभाव है. लेकिन यह प्रार्थना मात्र नहीं है, जीवन में उतरेगा कैसे? जीवन में तब उतरेगा जब युक्ति से आगे श्रद्धा के साथ इसका संबंध होगा. मैं फिर कहूंगा यूरोप को तो उस दिशा में देखना पड़ेगा जब फिलोसफी बुद्धि को सीमित कर रही थी, तर्क को विधुनित कर रही थी, मनुष्य के बौद्धिक ज्ञान की सीमाओं का रेखांकन कर रही थी, इसलिए कि श्रद्धा को स्थान बन सके, आस्था के लिए स्थान बन सके. फिलोसफी को इस दृष्टि से, फिलोसफी इज नॉट ओनली दी प्रोसेस ऑफ रैशनल थिंकिंग. इस रूप में जब सोचा गया है, रैशनलिटी से को जेनेसिस ऑफ फिलोसफी के रूप में जब देखा गया है, तो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं. शायद यूरोप ने विचारों के क्षेत्र में कोपरनिकन रिवॉल्यूशन करने वाले की अंतिम पंक्ति को भुला दिया कि श्रद्धा के लिए स्थान बन सके, फेथ के लिए स्थान बन सके, इसलिए बुद्धि को सीमित कर देना है, मनुष्य की ज्ञान की सीमाओं का सीमांकन कर देना है. मैं इमानुएल कांट की याद दिलाना चाहता हूं आपको. आज फिर एक प्रश्न आया है पूरी दुनिया के सामने, और यह प्रश्न मनुष्य की बुद्धि की सीमांकन करने का प्रश्न, जहां एक तरफ रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है तो दूसरी और फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है. सिर्फ निरे तर्क की बौद्धिकता के आधार पर न तो स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है और न स्वतंत्रता का अनुभव किया जा सकता है. तर्क खुद सीमित है, सीमाएं हैं. दैट इज लिमिटेड टू आवर इंटेलेक्ट, आवर रीजनिंग कैपेसिटी. विदाउट द डिलिमिटिंग द इंटेलेक्ट एंड रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, फ्रीडम कुड नॉट बी अचीव्ड. Freedom could not be enjoyed.
अब इस प्रश्न का विचार करें तो ध्यान में आएगा कि स्वतंत्रता भी बौद्धिकता की सीमा का अनुभव करके होगा। इंडियन फिलोसफी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि तर्क के द्वारा हम नहीं जान सकते, कुतूहल के द्वारा नहीं जा सकते, नैसा मत तर्केणापने। हमें इसको सीमित करना होगा। तो उत्तरदायित्व का बोध तो तर्क से आता ही नहीं है, क्योंकि तर्क हमेशा मनुष्य को उत्तरदायित्व के बोध से अलग करता है, उससे दूर ले जाता है। वी ऑलवेज रैशनलाइज आवर फेल्योर्स इन फुलफिलिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये व्यक्ति के स्तर पर भी होता है और राष्ट्रों के स्तर पर भी होता है, ये समाज के स्तर पर भी होता है और अंतर्वैयक्तिक संबंधों के स्तर पर भी होता है। उत्तरदायित्वों की पूर्ति न हो सकी, इसको हम युक्ति के द्वारा सकारण बताते हैं कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, ये परिस्थितियां इसके जिम्मेदार नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ऐसा हुआ था, हिरोशिमा पर बम्बार्डमेंट के बाद भी ऐसा हुआ था, यूक्रेन रसा युद्ध के बीच भी ऐसा ही हो रहा है। युक्तियां गढ़ी जा रही हैं, तर्क गढ़े जा रहे हैं, दुनिया में आतंकवाद से लड़ते हुए भी ऐसा हो रहा है। ओजोन लेयर में जब छेद हो रहा है और अर्थ समिट असफल हो रहा है, तब भी युक्तियां और तर्क गढ़े जा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए तर्क के आधार पर में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसके उत्तरदायी नहीं है, इसको प्रमाणित कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें इस पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब फिर दूसरा प्रश्न आता है, द मेथोडोलॉजी ऑफ फिलोसफाइजेशन विच वी अडॉप्टेड इन विच वी आर ऑल आर ट्रेंड इज इट कैपेबल टू कर्व दिस प्रॉब्लम? सर्टेनली नॉट। तो क्या होगा? इसलिए यह अधिवेशन इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक और इसके लिए आदरणीय भट्ट जी ने मुझे अनुमति दी कि हम इस अधिवेशन में एक नया प्रयोग करेंगे। वह प्रयोग करेंगे भारत में चिंतन की परंपरा कैसे चलती रही है। एक व्यक्ति की युक्तियों के आधार पर हम चिंतन की परंपरा नहीं करते रहे, एक व्यक्ति के द्वारा लिखे गए विषयों को, विद्वानों को, सिद्धांतों को दूसरा बाहर से खड़ा होकर के, दूर से खड़ा होकर के उसकी समीक्षा करेगा, उसका क्रिटिसिज्म करेगा, रेपुटेशन करेगा और नए सिद्धांतों की स्थापना करेगा, यह भी हमारा स्वभाव नहीं रहा। न तो हम प्लेटोनिक वे ऑफ फिलोसोफाइजेशन मानते रहे हैं, न तो हम एरिस्टोटलियन वे ऑफ फिलोसोफाइजेशन मानते रहे हैं। इसके बजाय हमने इसके लिए जो पद्धति निर्मित की थी उसको हमने शास्त्रार्थ कहा था। समथिंग इज रिटन इन शास्त्रास, समथिंग इज रिटन इन द क्लासिकल लिटरेचर, दैट इज बेस्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रैशनल एक्सरसाइज। लेकिन वो अंतिम नहीं है, उसकी मीनिंग को बार बार जानना पड़ेगा। शब्द हमेशा उसी रूप में अर्थ नहीं देते हैं, शब्द उत्पन्न होने के बाद याकता करते हैं, बूढ़े होते हैं और कभी कभी मर जाते हैं, कभी कभी रास्ते से खिसक जाते हैं और वो अर्थ दूसरा देने लगते हैं। इसके लिए बार बार एक पद्धति की जरूरत पड़ती है कि हम चिंतन कैसे करें, हम आगे नया कैसे सोचें। लेकिन वह समूह वृत्ति से होगा। मैं यहां शंकर की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा और आपका सबको कॉल करूंगा कि ये चार दिन हमारे चर्चा के कैसे होने वाले हैं। धर्म सूक्ष्म निर्णय परिषद व्यापारिष्यते, एक वरा द्विवरा पंचवरा दस वरावा बेनेवर
question to understand the dharma occurs, तो चर्चा करनी पड़ेगी. परिषद व्यापार इच्छते, देन डिजायर टू डिस्कस, डिजायर टू लर्न एंड डिजायर टू काउंसिल, दिस इज द ओनली वे. अब वह एक व्यक्ति की हो सकती है, दो व्यक्ति की हो सकती है, तीन भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, दस भी कर सकते हो. भारत में एक इतिहास है कि 12,000 लोग नैमिषारण्य में वर्षानुवर्ष बैठ करके यह परिषद व्यापार करते रहे, यह चर्चा करते रहे, काउंसिल करते रहे. बौद्ध संगतियों का इतिहास इसी दृष्टि से भारत में प्राप्त होता है. एक कालखंड के बाद उन्हीं त्रिपिटकों पर चर्चा करते, उनके शुद्ध अर्थ के निर्धारण के लिए सभी अर्हतगण इकट्ठा होते थे और संगीति करते थे. जो कहा गया है, जो लिखा गया है, जो याद है, उसका संगायन करते थे और उसके मूल अर्थ को फिर से निर्धारित करने की कोशिश करते थे. मुझे लगता है कि यह 95वां अधिवेशन और इसके बाद जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे इस भारतीय दर्शन महासभा का, इंडियन फिलोसॉफी कांग्रेस का, तब से ये 5 वर्ष कम से कम हमारे लिए भी इस प्रकार के जो दुनिया के लिए महत्व रखने वाले हैं, जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्व रखने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों पर परिषद व्यापार के होंगे और ऐसे प्रश्नों पर शास्त्रार्थ के होंगे. और इसकी शुरुआत के लिए जब मैंने अनुरोध किया प्रोफेसर भट्ट से, तो उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि यह तो अच्छा होगा, इस अधिवेशन से एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है कि हम इस अधिवेशन दर्शन परिषद दर्शन महासभा के वार्षिक अधिवेशनों में शास्त्रार्थ को इस दृष्टि से जरूर देखेंगे और हिस्सेदारी लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि द इंडियन मेथड ऑफ फिलोसफाइजेशन, द रियल मेथड ऑफ द फिलोसफाइजेशन, द जेन्युइन मेथड ऑफ द फिलोसफाइजेशन एंड द ह्यूमन फेसिंग मेथड ऑफ द फिलोसफाइजेशन, ये क्या हो सकता है, इसकी दृष्टि से वह भी आयोजित है. इस अवसर पर एक परंपरा प्रोफेसर भट्ट ने स्थापित की थी कि हम केवल भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सीमित होते हैं. भारतीय दर्शन और एशिया में बैठे हुए, जिसकी चर्चा प्रोफेसर उपाध्याय ने की, एशिया में का जो दर्शन है इसके बीच कोई अंतर नहीं है, व्यावर्तक रेखा नहीं है. वो भाषिक अंतर हो सकता है, वो कालखंड के साथ पद्धतिगत अंतर हो सकता है, वो उस धरती पर उस संस्कृति के साथ चिंतन के सातत्य का अंतर हो सकता है. इन सभी अंतरों को समझते हुए एक श्रेष्ठ दार्शनिक वातावरण इस देश में कैसे बनाया जा सके, दार्शनिक चिंतन का वातावरण इस देश में कैसे बनाया जा सके. और वास्तव में 10 वर्ष पहले ICPR में रहते हुए प्रोफेसर भट्ट ने एक अभियान प्रारंभ किया था, मैंने भी उसमें कुछ योगदान दिया था और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग उसमें योगदान देने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों में थे. जब डिकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड सेट की बात हो रही थी तो हमने कहा डिकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड सेट इज पॉसिबल ओनली थ्रू Rejuvenation of Indian philosophy. The restoration of ecosystem is nothing, but restoration of ecosystem is rejuvenation of the ecosystem. We cannot go beyond. एक कायाकल्प इस पूरे ecosystem का करना पड़ेगा, एक कैश्वर्य देना पड़ेगा इस ecosystem को, जुनेशन करना पड़ेगा, उस स्थिति को ले आना पड़ेगा. रिज्यूवनेशन किसी नए की तलाश नहीं है, जो नित्य है, निरंतर है, सनातन है, शाश्वत है, प्राकृतिक है और हृदय ग्राह्य भी है, उस स्थिति को प्राप्त करने का यत्न है. भारत के और एशिया के दार्शनिकों से, दर्शन के अध्याताओं से, दर्शन के विद्यार्थियों से, अनुसंधाताओं से आज जरूर यह अपेक्षा बन पड़ी है.
कि वह विश्व के समक्ष, इस धरती के समक्ष, और इस धरती की बात करें तो संपूर्ण सृष्टि के समक्ष, वो सौर परिवार होगा हमारा या उस सौर परिवार से बाहर की दुनिया होगी, संपूर्ण गैलेक्सी के समक्ष जो प्रश्न है उन प्रश्नों का मैं वही करता हूं। कालो जगतः कारणम, तो वो प्रश्न उत्तर में तब आएंगे जब हम जगाएंगे। भारत में दर्शन के विद्यार्थियों ने, दर्शन के अध्येताओं ने अपने लिए एक नारा गढ़ा था, उस नारे की याद दिलाते हुए, उस वैदिक स्लोगन की याद दिलाते हुए, उस वैदिक मंत्र की याद दिलाते हुए मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। वयम राष्ट्रे जाग्र्याम पुरोहिता, इस राष्ट्र के अग्रगामी हित के लिए और राष्ट्र के व्यास से संपूर्ण विश्व के हित के लिए हम जागृत होने वाले और जागृत करने वाले लोग हैं। इस दृष्टि के साथ हमको इस अधिवेशन में और आने वाले अधिवेशनों में चर्चा करनी होगी। और अंत में कहूंगा कि वर्धा में सुविधाएं नहीं जुट सकी हैं, उन कठिनाइयों के बीच आपको चर्चा करनी होगी। जो प्रश्न हैं, जो संकट हैं, वो बड़े हैं, उसकी तुलना में यहाँ जो कठिनाइयां हैं वो छोटी हैं। तो जो बड़ा है उसको पहले आप हल करेंगे, जो छोटा है उसको सह लेंगे सहिष्णुता के भाव से, तितिक्षा के भाव से। इस निवेदन के साथ आप सबको नमस्कार। माननीय आचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सूचनाएं हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। इस सत्र के उपरांत भोजन का सत्र है। आफ्टर दिस सेशन देयर विल बी द सेशन फॉर लंच। प्रतिदिन एंडाउमेंट लेक्चर का आयोजन किया जाएगा। एंडाउमेंट लेक्चर विल बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी डे। सेक्शनल मीटिंग समानांतर प्रतिदिन चलेंगी। सेक्शनल मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड एवरी डे पैरेलली as following: history of philosophy dantopan thengri sabhagar mein chalegi, logic and scientific method mahadevi verma sabhagar, metaphysics and epistemology kasturba sabhagar, ethics and social philosophy galip sabhagar, religion pandit madan mohan malviya bhavan, dinank 28/12 मतलब 28 दिसंबर को शास्त्रार्थ का आयोजन 11:30 बजे कस्तूरबा सभागार में आयोजित किया गया है। तो आज की सूचनाएं फिर समाप्त हुई। भोजन के उपरांत हमारे वॉलेंटियर्स पंडाल में उपस्थित होंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पहले भी वॉलेंटियर्स आपके संपर्क में होंगे, जिन भी प्रतिभागियों से जो वॉलेंटियर संपर्क में हैं आप उनसे बात करेंगे, आपको भोजन उपरांत सभागार में ले जाया जाएगा। After lunch, lunch will be held in the pandal. After lunch, our volunteer will assist you to your respective auditoriums. Those volunteers who are in contact with the respective participants will help them, assist them for their respective auditorium. Please contact them. Thank you. अब मैं विश्वविद्यालय के कुलसचिव कादर नवाज खान जी से अनुरोध करती हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। हम आज कुछ हसीन शराबों में खो गए, आंखें खुली तो जागते ख्वाबों में खो गए। जब मसले हयात का कुछ हल ना हो सके, हम कैफ फलसफे की किताबों में खो गए। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले माननीय सांसद
श्री रामदास चौरासी जी का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में इस उद्घाटन समारोह में भागीदारी की और हमारे लिए समय निकाला। मैं प्रोफेसर एस पनीर सेल्वम जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो आईपीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना जी वाइस चांसलर कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर प्रशांत बोकारे जी वाइस चांसलर गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। प्रोफेसर एलपी सिंह साहब जनरल प्रेसिडेंट 95th सेशन ऑफ आईपीसी जिन्होंने कॉन्शसनेस मिस्टिसिज्म मेटाफिजिक्स और ट्रुथ के बारे में अपनी बातें रखी। मैं प्रोफेसर गोविंद शरण उपाध्याय जी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी को ट्रेजर ऑफ फिलोसॉफी के लिए संदर्भित किया। प्रोफेसर एस आर भट्ट साहब चेयरमैन आईपीसी इनके प्रति विशेष आभार जिनके मार्गदर्शन से इस महासभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी मेंबर सेक्रेटरी ICPR इनके प्रति विशेष आभार जिन्होंने भर्तहरि जी को कोट किया और प्रज्ञा और विवेक के मार्फत से अपनी बातों को रखा। प्रोफेसर नीरजा अरुण गुप्ता जी वाइस चांसलर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडी इनके प्रति विशेष आभार जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी के प्रचलन में जो समस्या है शस और शास फेक रेप्लिका और आर्टिफिशियलिटी के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाया हमारे तक। श्री एस के सिंह साहब दिलीप कुमार मोहंता जी प्रोफेसर वाई एस शास्त्री जी डॉक्टर जेवियर माओ जी डॉक्टर देविका साहा जी प्रोफेसर पंकज बासोटिया जी रेवरेंड राम बुक्काना अमितानंद थेरो जी प्रोफेसर रजत भट्टाचार्य जी प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी और हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीरपाल सिंह जी के प्रति आभार। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एमेरिटस प्रोफेसर प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी और प्रोफेसर अनुपमा गुप्ता जी के प्रति आभार उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के प्रति विशेष आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए अपना समय निकाला। वर्धा के गणमान्य नागरिक सोहम पंड्या जी और अन्य नागरिकों के प्रति आभार। प्रति कुलपति द्वय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल प्रोफेसर चंद्रकांत रागीर जी समस्त अधिष्ठातागण समस्त विभागाध्यक्ष समस्त निदेशक वित्ताधिकारी श्री सरदार सिंह जी समस्त शिक्षक वृंद और गैर शैक्षणिक कर्मी समस्त शोधार्थी विद्यार्थी और तकनीकी टीम के प्रति आभार। हमारे सभागार में वरिष्ठतम राइटर इन रेसिडेंस उपस्थित हैं अतिथि आवासीय लेखक प्रोफेसर रामजी तिवारी जी जिनका मार्गदर्शन और स्नेह हमें मिलता है और कनिष्ठतम राइट एंड रेसिडेंस जो बहुत कम उम्र के हैं निंदर घुगियाणवी जी दोनों के प्रति आभार। आनंद भारती जी एडजंक्ट फैकल्टी इनके प्रति आभार और इस कार्यक्रम को अहर्निश सफल बनाने के लिए आयोजन सचिव और श्री पवन कुमार गुप्ता जिन्होंने रात दिन एक करके इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई है आपके प्रति आभार। और समय समय पर जो समय सीमा लांग रहे थे उनको किस व्यक्ति से समय सीमा में रोकना है इसके लिए और खूबसूरत संचालन के लिए डॉक्टर रोमसा शुक्ला का आभार। और इस संपूर्ण कार्यक्रम की परिकल्पना के लिए इसके सफल होने के लिए इसके सार्थक होने के लिए जो अहर्निश प्रयास किया है हमारे गार्जियन हमारे फ्रेंड गाइड और फिलोसोफर माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के प्रति आभार धन्यवाद। आई वुड रिक्वेस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईपीसी प्रोफेसर एस पनीर सेल्वम सर टू कम अप ऑन द स्टेज फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। प्रोफेसर एस पनीर सेल्वम सर फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन सर। Few announcements. We'll reassemble in the same hall at 2:30 p.m. and lunch and dinner will be served in the same hall where we took our breakfast.
Between 2:30 and 4 o'clock, we have four endowment lectures. The first endowment lecture would be on the Professor T.R.V. Murthy endowment lecture on Madhyamika philosophy, which will be delivered by our Honorable Professor Chachananda Mishra, Member Secretary of ICPR. And then followed by this, we have Professor G.P. Das lecture on intercultural and interreligious understanding, which will be delivered by Professor Rajat Bhattacharya of Bardar University. And third endowment lecture is Vallabh Vedanta endowment lecture to be delivered by Shyam Manohar Goswamiji, but he is unable to come. So we have request, I mean, he has requested our Honorable Professor Sharmaji to give a brief summary of his presentation. That's what Goswami has written to us. And then the fourth endowment lecture would be on Pratap Sat Vedanta endowment lecture to be delivered by Professor Uma Shankar from Mumbai. So 4 o'clock we'll complete this endowment, and after four, between 4 and 6:30, we have five sectional president address in the respective halls, which is available in your brochure. And at 6:30 we have the executive meeting of Indian Philosophical Congress. This program in the afternoon. Thank you very much. Thank you very much, sir. Rashtragit Hetu, main Acharya Dr. Tejaswi HR ji ko aamantrit karti hun. वंदे मातरम् वंदे मातरम् सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम् सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदळ शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरम् वंदे मातरम् धन्यवाद सभी प्रतिभागी भोजन हेतु आमंत्रित हैं ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट